नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हल्ला बोल सीरीज नॉर्सेट 2021 धमाका बहुत बड़ा करेंगे दोस्तों। नॉर्सेट के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, हर एक टॉपिक को खोल के रख देंगे। आपसे वादा किया था हर एक उस टॉपिक तक पहुँचने की कोशिश करेंगे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस बार उस नॉर्सेट के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ इंडियर, जल्दी से कनेक्ट कर देना है हर एक उस बच्चे को जिसका ख्वाब नॉर्सेट में जाकर के नर्सिंग ऑफिसर बनने की पोस्ट को लेने का है। क्योंकि BMW का ख्वाब बोले तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जिसके अंदर अधिकतर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर क्या करें, कंफ्यूजन हो जाता है कहां डालें, आईवी ट्यूब कहां डालें, कैथेटर कहां डालें, प्लेसेंटा क्या करेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कौन सा बकेट होगा, कैसा कलर होगा, कहां डालना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, कैसे रखना पड़ेगा, क्या होगा ट्रीटमेंट, संपूर्ण जानकारी दोस्तों। आपको पता है कि उत्कर्ष परिवार का एक ही ध्येय रहता है कि बच्चों को हमेशा बोलता है बेटा चीजों को रटनी नहीं है, चीजों को समझे, उनके लॉजिक को समझे, उनके कारण को समझे और हर एक एग्जाम के अंदर उस चीज को इंप्लीमेंट करके अपने सिलेक्शन रूपी पोस्ट को निकाल के ले आए। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत करने जा रहे हैं आज के दिन के बेहतरीन सेशन की। कौन सा? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। चलेगा, पहला क्वेश्चन क्या रहेगा डियर आपके सामने, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, लेकिन कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, कमेंट जरूर जरूर कीजिएगा, बिना कमेंट नहीं करोगे खुद को कॉन्फिडेंट। पहला क्वेश्चन आ गया। जी हाँ, गुड इवनिंग ऑल ऑफ इंडियर। अरे भैया जी गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड इवनिंग चल रहा है, ऐसे नहीं करें, गुड इवनिंग चल रहा है। चलेगा, जल्दी से मैक्सिमम बच्चे को कनेक्ट कर देना। क्या पता कौन से शब्द में कौन सी ट्रिक बता दूं जो आपको एग्जाम के दौरान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखने को मिलेगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ द बैग इन हॉस्पिटल टू डिस्पोज ऑफ ए ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट सच एज ए बॉडी पार्ट। कौन सा लोगे भैया जी? अरे कौन सा कलर काम में लोगे, क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज ए कलर कोड, कौन सा कलर काम में लेना है, बैग का यानी थैली का, हॉस्पिटल टू डिस्पोज, डिस्पोज का मतलब करना चाहते हैं उसका डिस्पोजेबल, एनाटोमिकल वेस्ट, एनाटोमिकल वेस्ट का मतलब क्या हो गया, एनाटोमिकल वेस्ट इंसानों का हो सकता है, जानवरों का हो सकता है, चाहे ह्यूमन का पूछ ले, चाहे एनिमल्स का पूछ ले, और करना क्या है, बॉडी का पार्ट लिख दिया। अरे भैया जी बॉडी का पार्ट यानी या तो किसी की अंगुली काट दी, किसी के पैर की अंगुली काट दी, किसी की हाथ की अंगुली काट दी, किसी भी बॉडी का पार्ट ले लिया, वो संपूर्ण चीजें आपकी कहां जाएगी, जहां इंसान का अंग भंग हो रहा है, जहां इंसान का अंग भंग हो रहा है वो सारी की सारी चीजें कहां जाएगी, येलो कलर में। कौन से कलर में जाएगी डियर? येलो कलर। राइट आंसर क्या होगा? ए। याद रख लेना चाहिए, आपसे पूछ ले ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, क्या पूछ ले, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट पूछ ले, या आपसे क्या पूछ ले, एनिमल का पूछ ले, किसका पूछ ले, एनिमल का, चाहे ह्यूमन का पूछ ले, चाहे एनिमल का पूछ ले। जब एनाटॉमिकल वेस्ट का मतलब क्या हो गया, किसी भी बॉडी के पार्ट को ले लिया है तो कहां डाले, येलो में डाल दो बेटा, कहां डाल दो, येलो में डाल दो। चलेगा, दूसरा लिखा हुआ है सर ब्लैक में क्या डालेंगे, तो ब्लैक, ब्लैक फॉर काला, काला फॉर कचरा, काले में क्या डाल दो, जो भी क्या है हॉस्पिटल का नॉर्मल जो वेस्ट होता है, यानी जो गार्बेज वाला वेस्ट होता है, हॉस्पिटल से निकलने वाला कॉमन वेस्ट कहां डालें, तो ब्लैक कलर में डाल दो भैया जी, जिसके अंदर जितना भी पेपर वेस्ट वगैरह होगा, जितनी भी सिरिंज का वेपर वगैरह होगा, वो सारी चीजें कहां डाल देंगे, ब्लैक में। सर रेड में क्या डालें, लाल, लाल फॉर लचीला, रेड का मतलब होगा लाल, रेड का मतलब क्या होगा डियर, लाल, और लाल का मतलब क्या होगा, लचीला। अरे भैया जितनी भी लचीली चीजें होती है हॉस्पिटल में, जितनी भी लचीली चीजें होगी उनको कहां डालो, लाल कलर में डाल दो। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया सर, आईवी सेट की ट्यूबिंग कहां डालें, लाल में डाल दो। सर जितनी भी ट्यूबिंग है कहां डालें, सारी लाल में डाल दो, तो लाल फॉर लचीला, काला फॉर कचरा, पीला फॉर पस, इसको क्या बोलोगे भैया जी, पीला। अरे पीले के अंदर क्या डाल दो, जितने भी पस वाली चीजें, अरे जितने भी पस से संबंध रखने वाली चीजें हैं, पीला फॉर पस, सारी की सारी पस वाली चीजें इसमें। सर ब्लू, अरे ब्लू का मतलब होता है नीला, और नीले का मतलब नुकीला। अरे ब्लू का मतलब क्या होगा, नीला, और नीले का मतलब क्या होगा, नुकीला। अरे जितनी भी नुकीली चीजें हैं, जितनी भी नुकीली चीजें हैं वो कहां डाल दो, नीले कलर में। सर नुकीली चीज का मतलब तो इंजेक्शन की निडल आती है, डाल दो। सर जितने भी एम्पुल वगैरह होंगे डाल दो, जितनी भी क्या होती है शार्प चीजें जो क्या कर सकती है, किसी के बॉडी पर घाव कर सकती है, जी हाँ वो सारी कहां डाल दें, तो ब्लू में डाल दें। तो पीला फोर पस, काला फोर कचरा, लाल फोर लचीला, नीला फोर
नीला फोर नुकीला, क्लियर हो गया है। ये तो नॉर्मल सी बात कर लिए, धीरे 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 ऐसा बढ़ेंगे, यानी नॉर्सेट वाली चीजें लेकर के आएंगे। चलू आगे डियर, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, कॉमन सी चीजें डिस्कशन कर ली है अपन ने। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखने को मिलेगा, ध्यान से पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, मैक्सिमम बच्चे को कनेक्ट कीजिएगा, खुद के कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। फटाफट से कमेंट बॉक्स को पता है ना कैसे उड़ाते हैं, राफेल की तरह। अरे भैया ये दूध की बोतल है, और दूध की बोतल जाएगी आपकी किस कलर में? ये भैया जी आपने दूध की बोतल बना दी, दूध की बोतल तो कहां जाएगी पता है ना, बच्चे के मुंह में जाएगी डियर। व्हाइट में शार्प डालते हैं, अभी बताऊंगा कौन से व्हाइट में डालेंगे और कौन से ब्लू में डालेंगे। चिंता मत करें, चिंता नहीं करने का, मौज करने का, मस्ती करने का, लेकिन टॉपिक को समझने का और एग्जाम को क्रैक करने का। कि उसने पूछा इन सरनेशन का मतलब क्या हो जाता है। पहली बात तो ये कौन से मेथड में आएगा, इसका दे बेटा जवाब, कौन से मेथड के अंदर काउंट होगा इन सरनेशन। तो ये ड्राई हीट का मेथड है। किसका मेथड है? ड्राई हीट के अंदर काउंट होता है इन सरनेशन, यानी चीजों को जला दो। और नेक्स्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जलाने के बाद क्या बचती है? तो जलाने के बाद बचती है ऐश। अरे एक ऐश तो वो होती है जो सिलेक्शन के बाद करेंगे, और दूसरी चीजों को जलाने के बाद क्या बनती है? ऐश। ऐश को बोले तो जलने के बाद बचती है राख। राख को क्या बोला जाता है? ऐश बोला जाता है, याद रख लीजिएगा। एग्जाम के ऑप्शन में ये ढूंढते फिर जाओगे कि सर राख नहीं मिल रही है, राख नहीं वहां ऐश मिलेगा। अब कौन सा मेथड काम में ले रहे हो? इंसर्नेशन में हाई टेम्परेचर रिडक्शन प्रोसेस काम में लोगे, लो टेम्परेचर रिडक्शन लेंगे, हाई टेम्परेचर ऑक्सीडेशन लेंगे, लो टेम्परेचर ऑक्सीडेशन। तो राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर क्या जाएगा? हाई टेम्परेचर ऑक्सीडेशन प्रोसेस। राइट आंसर क्या जाएगा डियर? सी करेक्ट आंसर होगा, जो मैक्सिमम बच्चों का सही था। टेम्परेचर क्या रखेंगे? हाई रखेंगे। टेम्परेचर क्या रखेंगे? धुआंधार गर्मा गर्म रखेंगे, और गर्मा गर्म चीजों को जला करके क्या कर देंगे? ऑक्सीडेशन कर देंगे उसका। तो याद रखिएगा राइट आंसर क्या चला जाएगा? सी। बहुत बढ़िया, चले आगे डियर, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, सारी बता दूंगा। इंसुलिन की स्ट्रिप कहां जाएगी, ये कहां जाएगी, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, मेरा वादा है दोस्तों। और चीजों को रटवाऊंगा नहीं, ये और वादा है, चीजों को समझाऊंगा, क्योंकि रटने का कंसेप्ट मेरे खुद के जीवन में ही नहीं है, आपके लिए तैयार कैसे करूंगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमेडिकल वेस्ट कैन बी इंसर्नेटेड। अरे भैया जी कौन से बायोमेडिकल वेस्ट को अपन जला सकते हैं? दोस्तों बड़े लंबे समय के बाद में शाम को अपनी क्लास वापस से हुई है, तो जो बच्चे सोने की तैयारी कर रहे हैं आज उनको जगा दो। बोले तो सर बीएमडब्ल्यू लेकर के आए। अरे एक बीएमडब्ल्यू तो वो वाली होती है, वो वाली तो सिलेक्शन के बाद लाएंगे, लेकिन अभी कौन सी लेकर के आए हैं आपको बताइए होगा, कौन सी लेकर के आए हैं? अगर इस BMW को सही कर दिया तो उस BMW को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी, और वो BMW लेनी है तो इस BMW का दो जवाब। क्या पूछ लिया? कौन सी चीज को इंसर्नेशन करेंगे भैया जी? पहला बोल रहा है प्रेशर्ड गैस कंटेनर को, दूसरा रेडियोग्राफिक वेस्ट को, पीवीसी को, या ह्यूमन एनाटोमिकल। तो सादा सिंपल सा जवाब है कि जवाब क्या जाएगा, जो भी चीजें आपकी येलो कलर में होती है, जो भी चीजें आपके येलो बिन के अंदर देखने को मिलती है, उन सबको क्या कर सकते हो? जला सकते हो। उन सबको क्या कर सकते हो? जला सकते हो। और जला करके राख कर देंगे, और राख का क्या कर देंगे? राख को बांट देंगे। किस में बांट देंगे? जी नहीं, उसको क्या करेंगे? बाहर डाल देंगे। तो येलो कलर में जितनी भी चीजें आएगी वो सारी की सारी क्या कर दो? जला सकते हो। इनसर्नेटेड हो सकती है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? डी। वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों का सही जवाब है। पास्चराइजेशन गैस नहीं जाएगा, प्रेशराइज्ड गैस नहीं जाएगा, पीवीसी नहीं जाएगा, रेडियोग्राफिक नहीं जाएगा। याद रख लेना, रेडियोग्राफिक वेस्ट के अंदर केमिकल वाली चीजें आएगी, और केमिकल चीजों को कभी नहीं जलाना चाहिए। केमिकल वाली चीजों को अगर आपने जला दिया तो एयर पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन से बहुत ज्यादा क्या देखने को मिलेगा? नुकसान। तो उन चीजों को जलाना नहीं है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा, फिर जवाब दीजिएगा। आज कमेंट बॉक्स बड़ा धीरे चल रहा है, तो मजा ही नहीं आ रहा है। लगना चाहिए कि हम आधी रात को बैठ करके सर तैयारी करने की औकात रखते हैं, और दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी जो हमारा सिलेक्शन रोक ले, क्योंकि इस बार हम सोते सोते नहीं, हम पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं। चलेगा, क्वेश्चन है क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमेडिकल वेस्ट कैन नॉट बी डिस्पोज ऑफ इन येलो बैग। अरे भैया जी आपसे क्या पूछ लिया, ऐसा क्या पूछ लिया? अरे कुछ नहीं पूछा है, यही पूछा है कि येलो बिन में कौन सी चीज को नहीं डालेंगे, येलो बिन के कौन सी चीज को नहीं डालेंगे। तो पहला बोल रहा है रीएक्टिव केमिकल वेस्ट, दूसरा बोल रहा है ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट, तीसरा बोल रहा है माइक्रोबायोलॉजिकल बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट, और लास्ट बोल रहा है ड्रेसिंग सोइल्ड
रेड विथ ब्लड। तो सादा सिंपल सा जवाब क्या जाएगा, तो येलो कलर में सर वो सारी चीजें आएगी जिनका संबंध किसी न किसी बॉडी के फ्लूड के साथ में है या किसी पस के साथ में। मैंने बताया था पीला फो और पस, तो लास्ट में क्या लिखा है, ड्रेसिंग सोइल्ड विथ ब्लड। खून से लतपत पट्टी को कहां डालोगे बेटा जी, खून से लतपत पट्टी, पस से लतपत पट्टी, कोई भी एक्जुडेट से भरी हुई, कोई भी ट्रांजुडेट से भरी हुई ड्रेसिंग को कहां डालोगे, सेंगोनियस सीरो सेंगोनियस वाली सारी की सारी ड्रेसिंग को कहां डालोगे, तो सर येलो कलर में डालेंगे, डाल दो बेटा। दूसरा बोल रहा है माइक्रोबायोलॉजी यानी किसी भी लेब से निकलने वाला वेस्ट एंड द बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री की लेब से या माइक्रोबायोलॉजी की लेब से निकलने वाला संपूर्ण मान भी कहां जाएगा, येलो कलर में जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, सर इसको भूल सकते हैं, असंभव। जब इसको भी नहीं भूल सकते तो इसको भी उसमें डाल दो। जब तीनों चीजों को डाल दिया, पहला बोल रहा है रिएक्टिव केमिकल वेस्ट, और केमिकल वेस्ट कहां जाएगा, तो सर केमिकल वेस्ट यहां नहीं जाएगा, केमिकल वेस्ट कहां जाएगा जल्दी से कमेंट करके बताएगा। केमिकल वेस्ट को कौन से डब्बे में डाल सकते हो जल्दी से कमेंट, फास्ट ईयर में आप ही लोगों के कमेंट का थोड़ा सा कर रहा हूं वेट। जल्दी से क्या जवाब जाएगा, केमिकल को कहां डालोगे केमिकल केमिकल को कहां डालोगे बेटा जी, इमोजी को थोड़ा सा रोको और जवाब देने की करो शुरुआत। कहां डालोगे केमिकल को, केमिकल यानी संक्रमित वाली चीजें, और संक्रमित वाली चीजें कहां जाती है, जी हां उसको डीप बरियल कर दो। कहां डाल दो, डीप बरियल कर दो, कहां कर दो, डीप बरियल कर दो, या नहीं तो ऐसा एक कमरा होता है हॉस्पिटल में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, चार स्टार लगा देने चाहिए, लेकिन मैंने दो ही लगाए हैं, क्योंकि दो मैंने लगा दिए, दो आप लगा देना। सेल्यूज नाम का रूम पाया जाता है, सेल्यूज नाम का रूम पाया जाता है, जितने भी केमिकल वेस्ट होते हैं वो सेल्यूज रूम में डिस्कार्ड किए जाते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, एम्स दिल्ली की लेटेस्ट गाइडलाइन से लिया गया वर्ड है। कौन से रूम में करोगे, सेल्यूज रूम के अंदर जितने भी डिसइंफेक्टेंट वाले केमिकल प्रोडक्ट होंगे या जो भी अपन क्या करेंगे स्टरलाइजेशन मेथड में काम में लिए जाने वाले सारे के सारे केमिकल को कहां डालेंगे, सेल्यूज रूम में डालेंगे। चले आगे, इस क्वेश्चन का जवाब क्या चला गया, ए गलत पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ लिया, तो ये पूछ लिया जवाब कौन दोगे, तो आप ही लोग दोगे, और मुझे विश्वास है, विश्वास ही नहीं पूरा, उम्मीद है कि जल्द ही जवाब दोगे। डर्टी रूम नहीं, सेल्यूज रूम बताया डियर। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, येलो प्लास्टिक बेड कंटेनिंग है बायोमेडिकल वेस्ट आर ट्रीटेड बाई। अरे भैया जी क्या बता दिया, मैंने वादा किया है हर क्लास में कुछ नया दे करके जाऊंगा, दे दिया, अभी तो क्लास की शुरुआत है, एक वर्ड तो दे ही दिया, लास्ट तक देखिएगा और कितनी नई चीजें मिलेगी। येलो प्लास्टिक बेग के बारे में पूछा है, उसके अंदर कंटेनिंग बायोमेडिकल वेस्ट को कैसे ट्रीट करोगे। अरे बायोमेडिकल येलो कलर वाले को तो पहला बोल रहे ऑटोक्लेव कर दो, दूसरा बोल रहा है इनसर्नेशन यानी जला दो, तीसरा बोल रहा है माइक्रोवेविंग कर दो यानी माइक्रोवेव के अंदर डाल करके गर्म कर लो, और लास्ट बोल रहा है सेरिडिंग कर लो। तो क्या करोगे भैया जी, जितनी भी चीजें आपकी ह्यूमन एनाटॉमिकल या एनिमल एनाटॉमिकल या येलो कलर से बिलोंग करने वाला वेस्ट होता है उसको जला दिया जाता है, और जला करके क्या कर दो, राख कर दो। क्लियर है, राइट आंसर जाएगा बी, राइट आंसर क्या चला जाएगा, बी। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, ऑटोक्लेव नहीं करना है, माइक्रोवेव भी नहीं करना है। भैया जो चीज आपको चाहिए ही नहीं, जो चीज की आपको आवश्यकता ही नहीं है उसको क्यों करना है माइक्रोवेविंग, उसको क्या कर दो, जला दो, और जला करके खत्म करो। चले आगे, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज, इस लोगों को पहचानो और जवाब दो डियर, इस लोगों को पहचानो और जवाब दो, ये लोगों कौन सी चीज का नजर आ रहा है। अरे कहीं देखा है क्या ऐसा लोगो, देखा है तो देओ बेटा, जवाब क्या जाएगा। क्या बात है, राज तो चौधरी और विजय गौतम, आग की लपटें बड़ी लंबी लंबी निकल रही है। जल्दी से इस लोगो का नाम लिखिएगा, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज, इस इमेज को देखो पहचानो और देओ जवाब क्या जवाब जाएगा। आधे से ज्यादा बच्चों का जवाब आ रहा है बायोहेजार्ड, बायोहेजार्ड नहीं है डियर। जिन जिन बच्चों ने बायोहेजार्ड दिया उनकी गई भैंस पानी में, जिन जिन बच्चों ने बायोहेजार्ड दिया उनकी गई भैंस पानी में। ये आपका क्या है, रेडिएशन का लोगो है। किसका है, रेडिएशन का लोगो है।
किसका है दोस्तों? रेडिएशन का लोगो है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। सर कैसे करें याद? याद करने की ट्रिक मैं बताता हूँ। ये देखिएगा, रेडिएशन का यहाँ लोगो बना दिया और यहाँ से क्या निकल रहा है, ये आपकी रेडिएशन की वेव देखने को मिल रही है, यानी कैसे जा रही है देखिएगा। फील कीजिएगा कि हाँ सर हमें रेडिएशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाँ फील कीजिए कि सर रेडिएशन की किरणें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब हुआ फील, देखिएगा मैंने जो रेड कलर की लाइनें बनाई है इसी प्रकार से क्या देखने को मिलेगी, रेडिएशन की तरंगे, जी हाँ किरणें देखने को मिलेगी। और ये कौन सा लोगो है? तो आपका रेडिएशन का लोगो है, इंपॉर्टेंट चीज है। जी हाँ बहुत बढ़िया पवन नागौरा, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, थकना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज, इस लोगो को देखो पहचानो और देवो जवाब। इस लोगो को देखो पहचानो और देवो जवाब। याद था सर, फिर कैसे हो गया बेटा जी गड़बड़? एक्सरे के बाहर लगा होता है, जरूर लगा होता है, जितने भी रेडिएशन की जहां जहां जानते होगी वहां पर बाहर लगा होगा, एमआरआई के बाहर भी मिलेगा। वाईफाई की तरंगे, वाईफाई को थोड़े दिन के लिए रोक दीजिएगा, सिर्फ क्लास में काम में लेना है। क्या है? वेरी गुड, अब सही जवाब आया, अब बेटा दिल हुआ गार्डन गार्डन। एक बच्चे ने तो कमेंट में लिख और दिया कौन सा है, रीसाइकिल बिन है। क्या है दोस्तों? रीसाइकिल का लोगो है। रीसाइक्लिंग का सर कैसे समझे? तो रीसाइक्लिंग का देखिएगा, एक एरो मार्क है जो दूसरे से जुड़ रहा है, एक एरो मार्क जो दूसरे से जुड़ रहा है, और दूसरा घूम करके तीसरे से जुड़ रहा है, तीसरा वापस से किससे जुड़ रहा है, इसी से, यानी घूम फिर करके सारी की सारी चीजों का एक सर्कुलर चल रहा है, और जहां जहां सर्कुलर चलता है वो सारी चीजें क्या कहलाती है, जहां जहां एक चीजों का सर्कुलर चलता है वो सारी की सारी कहलाती है रीसाइक्लिंग या रीसाइकल बिन। क्लियर है? रीसाइकल का मतलब जिन जिन चीजों को तैयार कर सकते हैं। और ये लोगो कौन सी बकेट के ऊपर देखने को मिलेगा, कौन सी बकेट के ऊपर देखने को मिलेगा? तो रेड कलर के बिन के ऊपर आपको यही लोगो देखने को मिलेगा। रेड कलर के बिन के ऊपर कौन सा लोगो, यानी रेड कलर के अंदर जितने भी आप वेस्ट डालोगे उनको क्या किया जाता है, रीसाइकिल किया जाता है। रीसाइक्लिंग यानी वापस से तैयार। क्या बात है, एक बच्चे ने तो साइकिल वो वाली बना दी। रीसाइक्लिंग का मतलब क्या हो गया, उन चीजों को वापस से करेंगे तैयार। कौन से बकेट वाली चीजों को रीसाइकिल किया जाता है? रेड 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 लाल सेफ डिस्पोजल ऑफ द मर्करी। अरे मर्करी को भैया सेफ डिस्पोज कहां करना है, कैसे करना है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा क्या जवाब जाएगा। पहला बोल रहा है कलेक्ट केयरफुली एंड रीसाइकिल, अरे रीसाइकिल कर दो। दूसरा बोल रहा है कंट्रोल्ड कंपनसेशन, यानी कंट्रोल करके क्या कर दो, कंपनसेशन कर दो। तीसरा बोल रहा है ट्रीटमेंट विद केमिकल, और लास्ट बोल रहा है डीप बरियल। डीप बरियल का मतलब क्या हो गया, जमीन के अंदर डाल दो ट्रीटमेंट वाली केमिकल के साथ में ट्रीट करो। और आपसे बोल रहा है कंट्रोल कंपनसेशन का मतलब उसको क्या कर दो, जलाने की कोशिश करो। और पहला क्या बोल रहा है, रीसाइकिल कर दो। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है, याद रख लेना दोस्तों। इसको क्या किया जाता है, कलेक्ट केयरफुली और रीसाइकिल, यानी ये कौन सी चीज में जाएगा, आपको याद होगा मर्करी कौन से कलर में जाएगी, तो मर्करी आपकी रेड कलर में जाएगी। एक पूछा हुआ क्वेश्चन है कोडमियम, कौन सी पूछी हुई चीज है, कोडमियम किस में जाएगा, तो रेड कलर में जाएगा। और जो चीजें रेड कलर में जाती है उनको कभी भी जलाई नहीं जाती, रेड कलर बिन को कभी भी नहीं जलाया जाता है, क्योंकि इनसे क्या निकलेगा, रेड कलर वाली चीजों को अगर आपने कोडमियम को जला दिया, अगर आपने मर्करी को जला दिया, तो टॉक्सिक गैस निकलेगी। क्या होगा, टॉक्सिक गैस देखने को मिलेगी, टॉक्सिक पॉइजनियस गैस देखने को मिलेगी, और जो क्या करेगी, एनवायरमेंट के लिए हानिकारक होगी। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट चीज है, जब इस चीज को रीसाइक्लिंग कर सकते हो, जब इस चीज की क्या कर सकते हो, रीसाइक्लिंग कर सकते हो, तो इनको कभी भी जलाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अब आपके एम्स दिल्ली के लेवल का क्वेश्चन आ गया कि मर्करी की अभी भी मर्करी डैमेज हो गई, उसके बाद उसको कलेक्ट किससे की जाती है, कमेंट करके बताइएगा। अगर मर्करी डैमेज हो गई तो उसको कलेक्ट कैसे करोगे, कमेंट फास्टली, और कलेक्ट 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 कैसे करोगे मर्करी को। जी हाँ, टॉक्सिक गैस, पॉइजनस, जहर, जहरीली हवाएं, कमेंट फास्ट डियर, कैसे कलेक्ट करोगे मर्करी को। अगर मान लीजिएगा आपके पास में स्पिग्नोमैनोमीटर है, वो टूट गया, उससे मर्करी निकल गई, कार्डबोर्ड, पिपेट से, प्लास्टिक बैग से, एक्सरे पेपर से, सिरिंज से, 50 ml की सिरिंज से, कार्डबोर्ड से, पिपेट से, कमेंट फास्ट, सारे के सारे बच्चे लिख दो, सबका पढ़ लेता हूं कमेंट। तो याद रख लेना, पूछा हुआ क्वेश्चन है और जवाब जाएगा आई ड्रॉपर। जवाब क्या चला जाएगा आपका, किसके मदद से लोगे दोस्तों, आई ड्रॉपर की मदद से लेना।
किसकी मदद से लोगे, आई ड्रॉपर की मदद से लेना है। लेने के बाद आपको प्लास्टिक का एक बैग होता है, कौन सा बैग होगा, प्लास्टिक का जिप बैग होगा। प्लास्टिक का जो जिप बैग होगा उसके अंदर आपको क्या करना है, अरे भैया जी जिप का मतलब क्या, जिसके बैग के ऊपर चैन लगी हो, जिप बैग का मतलब क्या, जिसके ऊपर चेन लगी हो उसके अंदर डालेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, सेकंड जिप बैग में डालेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, सेकंड प्लास्टिक के जिप बैग में डालेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, थर्ड जिप बैग के अंदर डालेंगे। और उसके बाद में सर और क्या करोगे, फोर्थ में नहीं भैया, उसके लिए बाद में क्या करोगे, रिसाइकिलिंग के लिए भेज दोगे। उसके बाद में क्या करोगे, रिसाइकिलिंग के लिए भेज दोगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, यही आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में करना है, यही एग्जामिनर पूछे तो जवाब दे करके आना। लिया किसे, आई ड्रॉपर से। देखा होगा छोटे बच्चों को दवाई पिलाते हैं वैसा ही आई ड्रॉपर टाइप होता है। उस ड्रॉपर को क्या करना है, कंप्रेस करके उस मरकरी के ऊपर रखना है और उसको नेगेटिव प्रेशर होता है। ड्रॉपर में कौन सा प्रेशर होता है, नेगेटिव प्रेशर होता है डियर। कौन सा प्रेशर होगा, नेगेटिव प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर से वो आई ड्रॉपर में चली आएगी। उसके बाद में उसको प्लास्टिक का जिप बैग यानी जिसके ऊपर चैन, अरे फिर भी याद नहीं होती है तो बीकाजी नमकीन की थैली देखी होगी, जिसके ऊपर एक जिप वाली चैन होती है वैसी की वैसी, उसमें एक में डाल दिया, दूसरी में डाल दो, तीसरी में, और फिर क्या कर दो, रिसाइकिल के लिए भेज दो। वो थोड़े दिन बाद में तैयार होकर के आपके स्पिग्नोमैनोमीटर में, नहीं तो दूसरे स्पिग्नोमैनोमीटर में फिर से चली आएगी। क्लियर हो गया? तो यहां चीजों को क्या करना है, केयरफुली कलेक्ट करना है और रिसाइकिल के लिए भेज देना। चले आगे, चले 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 चले, कंट्रोल कंपनसेशन यानी जलाओगे नहीं, केमिकल के साथ में कुछ भी नहीं करोगे, ना जमीन में गाड़ोगे, जो चीज काम आएगी उसको जमीन में नहीं डाला जाता। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, चलेगा, भूख तो नहीं लगी नमकीन का नाम लेने से? नहीं बेटा, नमकीन नहीं खाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आगे आए सामने, जल्दी से पढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ें फिर जवाब दें। इमोजी का अभिशेषण चलेगा, आउटडेटेड साइटोटॉक्सिक ड्रग आर द बेस्ट डिस्पोज बाई। अरे भैया आउटडेटेड, आउटडेटेड का मतलब हो गया एक्सपायरी वाली, क्या बात है, कहीं बच्चे लिख रहे पास पास की थैली, चलिएगा कोई भी मान लेना जो आपको अच्छा लगे। आउटडेटेड साइटोटॉक्सिक का मतलब क्या हो गया, आउटडेटेड का मतलब जो एक्सपायरी हो गई, साइटोटॉक्सिक का मतलब जो जहरीली भी हो सकती है। ड्रग आर द बेस्ट डिस्पोज बाई, उसको कैसे डिस्पोज करोगे, तो पहला बोल रहा है डिस्पोजेबल, डिस्पोजेबल या बेबल लिख लेना, इन द म्युनिसिपल वेस्ट। अरे भैया जी जब आपके घर के बाहर में कचरे वाली की गाड़ी आएगी, जी हां कचरा वाला आया है, कचरा दे दो, वो से बाड़ी में डाल दोगे। दूसरा बोल रहा है डिस्ट्रक्शन इन द डंपिंग इन द सिक्योर्ड लैंडफिलिंग, अरे उसको डिस्ट्रक्ट कर दोगे और डंप कर दोगे जमीन के अंदर, इन द सिक्योर्ड लैंडफिलिंग यानी एक फिक्स एरियाज के अंदर। तीसरा बोल रहा है स्टोर फॉर द मंथ एंड द बर्लियर, उसको महीने भर रखोगे उसके बाद में करोगे। लास्ट बोल रहा है ऑटोक्लेव, लास्ट बोल रहा है ऑटोक्लेव, जवाब क्या जाएगा, साइटोटॉक्सिक मेडिसिन के बारे में पूछे तो पहला बोल रहा है म्युनिसिपल वेस्ट में डालेंगे, जी नहीं डालेंगे। अगर उसको म्युनिसिपल वेस्ट में डाल दिया तो उस कचरे के साथ में बहुत सारा दूसरा भी कचरा होगा, और जो नॉर्मली रोजमर्रा जिंदगी के कचरे का ट्रीटमेंट होगा वही इसी साइटोटॉक्सिक का कर देंगे। और क्या पता आपके घर के बाहर से जो कचरा लिया है ले जाकर के गाँव के बाहर डाल दे और कहीं किसी जानवर ने खा लिए तो उनके लिए बहुत ज्यादा पॉइजनस हो जाएगा, वो मर जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है स्टोर फॉर द मंथ एंड द बर्लियर, अरे महीने भर उसको रखो बेटा, उसके बाद में उसको फेंक दो या बर्लियर कर दो, जला दो। नहीं, जब जो चीज खराब हो चुकी है उसको महीने कौन रखे, घर में भीड़ हो हम तो नहीं रखेंगे। और ऑटोक्लेव, जी हां नहीं, ऑटोक्लेव नहीं किया जाता। जो दवाई खराब हो गई है साइटोटॉक्सिक वाली, उसको क्यों स्टीम अंडर द प्रेशर में डाल करके ऑटोक्लेव करना है, नहीं करना है। उसको क्या कर दो, डिस्ट्रक्शन कर दो एंड डंप कर दो सिक्योर्ड लैंडफिलिंग में, यानी उसका डिस्ट्रक्शन करके उसको क्या कर दो, आप जमीन के अंदर गाड़ दो। उसको क्या कर दो, डिस्ट्रक्शन करके उसको जमीन के अंदर डीप बर्लियल कर दो या जमीन के अंदर गहरी जमीन में डाल दो, ताकि वो क्या हो जाएगी, जमीन के साथ में घुल मिल करके यानी कैसी होगी, नॉर्मल हो जाएगी। जी हां, चले आगे दोस्तों, वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। All of the following statement regarding the biomedical waste management are true except, भैया जी सारे के सारे आपके statement सही हैं, छोड़ करके सारे के सारे statement biomedical waste यानी BMW के सही हैं, सारे के सारे आपके BMW के चीजें सही है, एक को छोड़ करके। एक बार मैक्सिमम बच्चे को कनेक्ट कर दीजिएगा जिनका ख्वाब नॉर्सेट है डीआर, क्योंकि कुछ ऐसी भी ट्रिक बताने वाला हूँ जिनके बारे में आपने अभी तक नहीं सोचा होगा, लेकिन वो नॉर्सेट के अंदर बहुत ज्यादा काम आएगी। यानी जैसे ही पेपर देखोगे क्वेश्चन के अंदर मेरी वो दो चार लाइनें याद करोगे
और लाइन याद करते ही क्वेश्चन निकल आएगा। क्वेश्चन ने क्या पूछा, सारी चीजें होगी छोड़ करके, तो पहला बोल रहा है ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट इज थ्रो इन द येलो बैग, अरे ह्यूमन एनाटोमिकल को लाल कलर में येलो कलर में डालेंगे। दूसरा बोल रहा है ब्लू बैग वेस्ट इज डिस्पोज बाय द लैंड फिलिंग, उसको जमीन में गाड़ देंगे ब्लू वाले को। तीसरा बोल रहा है इंसर्नेशन एस इज डिस्कार्डेड इन द ब्लैक बैग, उसको ब्लैक में डालेंगे। और लास्ट क्या बोल दिया, मेटेरियल इन द रेड बैग कुड बी ए सोर्स ऑफ द कंटामिनेशन, और रेड बैग वाला मेटेरियल कंटामिनेशन की चीजों में शामिल होगा। तो जवाब क्या देना है, क्या जवाब दोगे, कमेंट फास्ट डियर। और एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस लाइव सेशन से जुड़ा हुआ है लेकिन क्या नहीं दे रहा है, जवाब नहीं दे रहा है। और जवाब नहीं दिया तो खुद को क्या नहीं करोगे, कॉन्फिडेंट। तो सादा सिंपल सा जवाब है, ह्यूमन एनाटोमिकल को लाल में डालेंगे साहब, सॉरी येलो में डालेंगे। अरे ब्लू कलर वाला यानी जो नुकीली चीजें हैं उनका क्या करें सर, उनको जमीन में गाड़ दो। सही बात है। और मेटेरियल ऑफ द रेड वे कुड बी ए सोर्स ऑफ द कंटामिनेशन, जरूर, क्योंकि मैंने लाल का बताया था, लाल के अंदर कौन सी लचीली चीजें, और वो सारी की सारी चीजें क्या होती है, संक्रमित होती है। वो सारी की सारी चीजें क्या देखने को मिलेगी, संक्रमित वाली चीजें होगी, और संक्रमित चीजों से कंटामिनेशन होगा। लेकिन जो क्या बच गई है, राख बच गई है भैया जी, उस राख को क्यों ब्लैक कलर में डाल रहे हो, ये बात गलत हो गई। यानी इंसर्नेटेड एस इज डिस्कार्डेड इन द ब्लैक बैग, जी नहीं, ऐसा नहीं करना है, जो राख बची है उसको इसमें नहीं डालना। सारे स्टेटमेंट तो सही है, गलत चला गया सी। नेक्स्ट चला आया ये, जवाब दोगे आप, विश्वास ही नहीं उम्मीद है इस बार गलत नहीं होना चाहिए। इंसर्नेशन नॉट डन फॉर, भैया जी किस चीज को नहीं जलाएंगे, फिर भी कुछ बच्चों के जा रहे हैं गलत, लेकिन इतना उम्मीद है मुझे कि आज गलत हो जाएंगे, आगे नहीं होंगे। बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग डियर, जल्दी से जुड़ें और मैक्सिमम बच्चों को जोड़ें और जल्दी से दें जवाब, ताकि लगना चाहिए कि हाँ सेशन के अंदर आग लगनी चाहिए, आग लगनी चाहिए। आग का मतलब ऐसे नहीं कि शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग का मतलब तो लगा दे आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, यार छीन ले सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। तो इस बार रुकना नहीं है दोस्तों, झुकना नहीं है, थकना नहीं है, नॉर्सेट तक पहुंचना है। कि उसने पूछा है सारी चीजों को तो जलाएंगे, इंसर्नेटेड इज नॉट डन, किस चीज को नहीं जलाएंगे, तो पहला बोल रहा है साइटोटॉक्सिक ड्रग वेस्ट शार्प ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट या कॉटन। अरे भैया जी ये कहां जाएगा सर, येलो कलर में जाएगा, ये कहां जाएगा येलो कलर में जाएगा, ह्यूमन एनाटोमिकल कहां जाएगा सर, आपने ही तो बोला था एनिमल की बात आए या इंसानों की, लाल में जाएगा। और कंटामिनेट यानी ये पस से भरी हुई पट्टियां कहां जाएगी, तो ये भी येलो में जाएगी, जब ये येलो में, ये येलो में, ये येलो में जाएगा। और वेस्ट शार्प कहां जाएगा, तो आपका जाएगा सर व्हाइट कलर में, कहां जाएगा व्हाइट कलर में। तो भैया जी सारी चीजें ए सी डी, जब ए सी डी वाली चीजें कहां देखने को मिलेगी, ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी वाली चीजों को तो क्या कर सकते हो, जला सकते हो, लेकिन इस बेचारे को नहीं जला सकते। क्यों नहीं जला सकते, इसमें शार्प इंस्ट्रूमेंट है, अगर नुकीली चीजों को जलाने की कोशिश करोगे तो भी वो जलेगी नहीं, और जलेगी नहीं तो फिर जलाने का फायदा ही क्या, मतलब जो चीज जले ही नहीं उसको कैसे जलाएंगे। लेकिन इस बार लोगों को अपनी तरक्की से जलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज, इस फोटो को देखो पहचानो, जवाब दो, इस फोटो को देखो पहचानो, अपने नैनों से देखो, अपनी नजरों से देखो, अपनी आंखों से देखो, अपने रेटाइना से देखो, अपनी प्यूपिल से देखो, अपने कॉर्निया से देखो, कैसे भी देखो, लेकिन देख करके दो जवाब जल्दी से। जो बच्चा पहले जवाब देगा वो आज बहुत सुपर फास्ट की तरह चल रहा है, जो आज जल्दी जवाब देगा वो सुपर फास्ट की तरह चल रहा है। आज मैं चीज नोट करूंगा कि हर एक क्वेश्चन का सबसे पहला जवाब देने वाला बच्चा कौन होता है, उस बच्चे का नाम रख देंगे राफेल स्टूडेंट, उस बच्चे का नाम रख दिया जाएगा आज के बाद राफेल स्टूडेंट। हर एक क्वेश्चन में ऑब्जर्व करूंगा कि कौन सा बच्चा सबसे पहले जवाब देगा। बहुत बढ़िया, बायोहेजार्ड जवाब आने लगे सभी के, ये क्या है दोस्तों, बायोहेजार्ड है, ये क्या है, तो बायो हैजार्ड्स का लोगो होता है, याद रखिएगा, जहां जहां जिस जिस डस्टबिन की बात करोगे ऐसा का ऐसा लोगो आपको देखने को मिलेगा। तो यह बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रीसाइकिल के बारे में मैंने ऐसा एरोमार्क वाला लोगो बताया था, रीसाइकिल बिन के अंदर ऐसा एरोमार्क वाला लोगो बताया था, यानी जो एरो से एरो चलता रहता है। और रेडिएशन हैजार्ड के अंदर कौन सा रेडिएशन वाली चीजें देखने को मिलेगी, ये किसका है, बायो हैजार्ड का है। चलूं आगे, चलूं 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 चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, जल्दी से राफेल स्टूडेंट, राफेल स्टूडेंट, राफेल स्टूडेंट,
नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है, नॉट सेफ डिस्पोजेबल बट गुड फॉर सोइल्ड बिल्डिंग। चलिएगा, आपसे पूछ रहा है कि नॉट सेफ, सेफ नहीं है, डिस्पोजेबल बट गुड फॉर सोइल, लेकिन सोइल यानी मिट्टी के लिए अच्छा होगा। अरे भैया जी, मिट्टी के लिए अच्छा कौन सा होगा, जल्दी से। मनीषा यादव सर रुको, क्यों रुकना क्यों है, देखो जवाब फिर बताता हूं। आज का राफेल बच्चा कौन है, ए बी सी डी, ए बी सी डी जवाब आने लगे हैं आप लोगों के कमेंट। फास्ट ईयर क्या जवाब जाएगा, पवन धाकड़, क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, ये पवन धाकड़ तुम लोगों से आगे निकल कैसे रहा है, रे दूसरे क्या सो रहे हो क्या, जल्दी से कमेंट को बढ़ाइएगा। यहाँ आपसे पूछा है नॉट सेफ, सेफ नहीं है लेकिन गुड है मिट्टी के लिए। अरे भैया जहां जहां मिट्टी के लिए बात आती है वहां मिट्टी में क्या किया जाता है, कंपोस्टिंग किया जाता है। अरे कंपोस्टिंग का मतलब क्या सर, खाद बना दो। खाद कैसे बना दे, यानी उसके अंदर कुछ केंचुए वगैरह या वाम डाल दो, क्या डाल दो, वाम इंफास्टेशन डाल के उसको क्या किया जाता है, कंपोस्टिंग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने ये जमीन का ले लिया, इसके अंदर जितना भी कचरा आ रहा है उसको यहां डाल रहे हो, जितना भी कचरा आ गया उसको यहां डाल दिया, और उसके बीच में क्या डाल दिया, छोटे छोटे टाइगर डाल दिए। अरे टाइगर का मतलब शेर नहीं डालना है, केंचुए डाल दिए, क्या डाल दिए, यहां छोटे छोटे आपने केंचुए डाल दिए, डाल दिए क्या, डाल दो रे, अरे जल्दी डाल दो, सारे डाल दो, सारे बच्चे केंचुए डाल दो। ये डाल करके इसको क्या कर दिया, ढक्कन लगा दिया, कितने महीनों के लिए लगा दिया, 6 महीनों के लिए लगा दिया। 6 महीनों के लिए जब इसको पैक कर दिया तो उसके बाद में यह क्या हो जाएगा, कंपोस्टिंग हो जाएगा, यानी खाद तैयार हो जाएगा। इसको बोला जाता है कंपोस्टिंग मेथड। पहला बोल रहा है इंसर्नेशन, क्या जला रहे थे नहीं जला रहे थे, क्या जला रहे थे क्या नहीं जला रहे थे। कंट्रोल टिपिंग, कंट्रोल टिपिंग का मतलब क्या हो गया, अरे भैया जी कंट्रोल टिपिंग या इसी को बोला जाता है सैनिटरी लैंड फिलिंग, इसी को क्या बोलोगे, सैनिटरी लैंड फिलिंग बोला जाता है। और ये मोस्ट कॉमनली कम्युनिटी सोसाइटी में काम में लेते हैं, अच्छा होता है। और लास्ट में बोलता है डंपिंग, सर डंपिंग क्या मतलब, डंप, डंपिंग का मतलब डंप, किसी भी चीज को क्या कर दो, जमीन के अंदर गाड़ दो, डंपिंग कहलाता है। चलेगा, तो ये आपका कौन सा मेथड हो गया, वाम को काम में ले लिया, 6 महीने के लिए जमीन को बंद कर दिया, खाद बन करके तैयार हो गया, अलग अलग किस्म का खेत में डालेंगे, मौज करेंगे, अच्छी से फसल बनेगी। चलूं आगे, चलूं 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 चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक कवर ऑफ द सीरेंज डिस्पोज, जल्दी से प्लास्टिक कवर को कहां डिस्पोज करोगे, प्लास्टिक कवर को सीरेंज वाले को कहां डालोगे, जल्दी से कमेंट फास्ट ईयर क्या जवाब जाएगा। चलेगा, शीतल वाजपेयी, ये ले लिया आपका नाम, बहुत बढ़िया डियर, अगली बार भी आप ही को अच्छा जवाब देना। चलेगा, अब नोट कर रहा हूं, अभी तक सही जवाब नहीं आया, सही नहीं आया, सही नहीं आया, सही नहीं आया, राजीव प्रजापति। चलेगा, राफेल स्टूडेंट इस क्वेश्चन का कौन है, राजीव प्रजापति रहेगा, बहुत बढ़िया डियर, राजीव इस बार मैंने नाम को नोट किया है, फोकस किया, और जवाब उसी का सही जाएगा, यानी प्लास्टिक कवर ऑफ द सीरिंज। अरे भैया जी, किसी भी सीरिंज के वेपर के बारे में बोल रहा है, किसी भी सीरिंज के ऊपर बनाई गई थैली के बारे में पूछ रहा है, उस थैली को कहां डालोगे, प्लास्टिक कवर ऑफ द सीरिंज, इसको पकड़ो, अरे सीरिंज को मत डालो, इसको पकड़ो बेटा, क्या वो प्लास्टिक कवर का पूछा है। और जो राफेल स्टूडेंट ने जवाब दिया, उस राफेल स्टूडेंट का नाम क्या है, राजीव है, बहुत बढ़िया डियर। कहां डालोगे, ब्लैक के अंदर डालोगे, कहां डालोगे डियर, ब्लैक में डालेंगे। रेड में क्या डालते हैं, सिरिंज को डालते हैं, इसको नहीं डालेंगे, इसको नहीं डालेंगे। येलो में क्या डालेंगे, तो पीला पस वाली चीजें जाएगी, ये नहीं जाएगा। और ब्लू में क्या जाएगा, नुकीली चीजें जाएगी, यानी एम्पुल्स वगैरह होंगे, वो चीजें जाएगी। चलू आगे, चलू 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 चलू, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट सार्प शुड बी डिस्पोज इन द, वेस्ट सार्प को कहां डालोगे, वेस्ट सार्प को कहां जाएगा, अब जल्दी से कमेंट करना। फिर से राफेल स्टूडेंट का वेट कर रहा हूं, कौन होगा इस बार राफेल स्टूडेंट, कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट, क्या जवाब जाएगा। राजवी है, कोई नहीं डियर, राजवी रख लेना, बहुत बढ़िया। इस बार मैक्सिमम बच्चों का सही जवाब आने लगा है, तो सारे के सारे राफेल स्टूडेंट बनते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया डियर। सी जवाब आ गया है, वेस्ट सार्प। अरे भैया जी, वेस्ट सार्प की बात आ जाए, इसके अंदर कौन आएंगे, तो स्काल्पल वगैरह है, स्काल्पल वगैरह है, ब्लेड है, आपकी निडल है,
या जितने भी कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट है, जो शार्प इंस्ट्रूमेंट सारे के सारे कहाँ जाते हैं, पंक्चर प्रूफ बोर्ड यानी वार्ड कंटेनर व्हाइट कंटेनर में जाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ जाएगी डियर, व्हाइट में जाएगी। ब्लैक के अंदर नॉर्मल कचरा जाता है, येलो कलर इसमें नहीं होगा और येलो के अंदर ये चीज़ नहीं जाएगी। राइट आंसर क्या होगा, व्हाइट। अब व्हाइट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहता हूँ कि ये व्हाइट वाला को क्या होता है, व्हाइट वाले कंटेनर को हमेशा 2/3 भरने पर क्या करना है, खाली करना है। याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, व्हाइट वाले को खाली कब करोगे, जब ये 2/3 भर गया तब खाली करना है। इसका मतलब क्या है, 2/3 भरते ही आपको खाली करना है, ऐसा नहीं। ऐसा क्या हो गया, चलेगा अनुजा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या पूछ रहा हूं, अगर 2/3 का मतलब क्या हो गया, 2/3 भर गया, इसको खाली कर दो वरना ये क्या हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्हाइट बकेट में चीजें डाल रहे हो, जब चीजें डालते जाओगे तो उसके बाद ये व्हाइट वाला कचरा बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। और आपको पता है ये सारे शार्प आइटम है, और शार्प आइटम कभी भी बाहर गिरे तो किसी को क्या कर देंगे, नुकसान कर देंगे। इसी को बोलते हैं पंचर प्रूफ, पंचर प्रूफ कंटेनर बोला जाता है। इसके अंदर क्या भरा रहता है, कहीं कंटेनर में सोडियम हाइपो भरा रहता है, कहीं कंटेनर के अंदर नीचे क्या भरा रहता है, सोडियम हाइपो भरा रहता है। क्लियर है, ताकि कोई भी चीज होगी शार्प इंस्ट्रूमेंट अंदर डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर डिप हो जाएगा। कोई भी चीज अंदर डालोगे तो शार्प इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिप हो जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी शार्प इंस्ट्रूमेंट को इसके अंदर डालते हो तो बिना क्या करना है, बिना रीकैप के अंदर डालना है। क्या करना है, बिना रीकैप के, विदाउट रीकैपिंग। क्या करना है, विदाउट रीकैपिंग, विदाउट रीकैपिंग के ही आपको इसके अंदर डालना। यानी आप गए थे मरीज के अंदर, मरीज को जाकर के, जी हाँ मनीषा यादव पूछो डाउट क्लियर करने के लिए, तो यहां खड़े हैं, डाउट नहीं होगा दोस्तों, पंचर नहीं होगा, पंचर प्रूफ होगा डियर। अब मैंने क्या बता दिया, नॉट विदाउट रीकैपिंग का मतलब, जैसे ही मरीज को आईएम का इंजेक्शन लगाया उस नीडल को लेकर के, आपको ऐसा नहीं कि लेकर के उसको उसमें डाल करके रीकैप करके बहादुर बन के उसमें डालने जा रहे हो, मत करना। वहां तो जाएगी नहीं, या तो अपने नाखून में या अंगुली में चली जाएगी और क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो कभी भी रीकैपिंग नहीं करनी है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, अभी आपने प्रैक्टिकल यानी स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें की थी कि मरीज को आईएम इंजेक्शन लगाया और बेड के पास में खड़े खड़े उसको डायरेक्ट व्हाइट बोर्ड में डालने की कोशिश करते थे, ये भी कभी मत करना। बोले तो कोई सामने स्टाफ वाला खड़ा है, उसको पता नहीं कहां कहां लगा दोगे, उसके वो दिक्कत कर देगी। क्लियर हो गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज, क्या इमेज को पहचानोगे, नाम पता चल गया। अब यहां एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से इस इमेज को देखिएगा डियर। अगर आपको ये वाला लोगो पूछ ले तो ये साइटोटॉक्स वेस्ट का एक नया लोगो लॉन्च हुआ है, साइटोटॉक्स वेस्ट का एक नया लोगो लॉन्च हुआ है। और दूसरा क्या देखने को मिलेगा, दूसरा कौन सा देखने को मिलेगा साइटोटॉक्स का, आपको ये तो पता ही होगा। अगर दोनों में से कोई भी नाम आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है तो जवाब दे करके आ जाना, ये दोनों के दोनों साइटोटॉक्स वेस्ट के अंदर काम आते हैं। जिसके ऊपर बड़ा सा सी लिखा हो वो भी साइटोटॉक्स का जाएगा, और ये वाला लोगो देखने को मिले तो ये भी आपको साइटोटॉक्स वेस्ट का होगा। याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये वाला लोगो नजर आए तो भी जवाब दे देना, और वो पुराना वाला सी नजर आए तो भी जवाब दे देना। क्लियर हो गया, चलूँ आगे। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई शर्म शंका तो नहीं है? जी हाँ, ट्रायंगुलर वाला पूछे तो भी सही है, ये पूछे तो भी सही है, केकड़ा नहीं, दोनों में से दोनों नहीं पूछ करके वो एक ही पूछेगा, तो दोनों आपको पता होने चाहिए। चले आगे डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, ट्रू अबाउट द इंसर्नेशन इज, अरे भैया चीजों को जलाने के लिए सही रहेगा, चीजों को जलाने के लिए कौन सी चीज सही रहेगी? जी हाँ, एम्स के अंदर ब्लैक की जगह ग्रीन आ गया, लेकिन गाइडलाइन के अंदर ग्रीन को काउंट नहीं किया। ग्रीन का जहां जहां जवाब आएगा वहां सही नहीं जाएगा। आज सर डायग्राम मस्त बनाया, थैंक यू सो मच। चलिएगा, आज सेंट्रोसोम लग रहा है, क्रोमोसोम लग रहा है, पता नहीं क्या क्या लग रहा है, कोई नहीं। ट्रू अबाउट द इंसर्नेशन, भैया जी सारे के सारे ऑप्शन चीजों को जलाने के रिगार्डिंग सही है छोड़ करके। तो पहला बोल रहा है रेड बेग कैन बी इंसर्टेड, लाल बेग को जला सकते हो। दूसरा बोल रहा है नोट प्री ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट, किसी भी चीज के लिए प्री ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट नहीं होगी। येलो बेग मस्ट बी इंसर्टेड येलो बेग को, ये दोस्तों कौन सा क्वेश्चन है, सेलेक्ट ऑल ऑफ देम अप्लाई, एक जवाब नहीं होगा, एक जवाब नहीं होगा, वापस से क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या पूछा है, येलो बेग को जला सकते हो, शार्प मस्ट नॉट बी इंसर्टेड, और लास्ट में बोल रहा है कंपनसेटेबल मैटर मस्ट बी अबो 30%। वापस से जवाब दो बेटा जी,
कौन सा ऑप्शन है जिस चीज के अनुसार आप जवाब जला सकते हो, ए बी सी डी ई। क्या जवाब जाएगा, सेलेक्ट ऑल ऑफ देम अप्लाई का मतलब होता है एक से ज्यादा जवाब जाएगा। कई बच्चों के सी और ई जवाब आ रहे हैं, सी डी जवाब आ रहे हैं, बी सी ई जवाब आ रहे हैं। कमेंट फास्ट ईयर थोड़ी सी कमेंट की स्पीड को बढ़ाएगा और हर एक बच्चे को जगा दीजिएगा। हम सोते सोते नहीं, इस बार पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं नॉर्सेट के लिए। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम बच्चों का सी डी जवाब आया। पहला क्या बोल दिया, रेड वे कैन बी इंसर्टेड। क्या लाल कलर वाले को जलाओगे तो फिर रिसाइकिल कैसे करोगे? जी नहीं जलाएंगे, इसको नहीं जलाएंगे। नो प्री ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट। अरे भैया जी, चीजों के लिए प्री ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट होती है ताकि उसको क्या कर सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट किया जाता है, ये भी गलत। येलो कलर कैन बी मस्ट बी इंसर्टेड, येलो कलर को जला सकते हैं, ठीक है साहब। नेक्स्ट बोल रहा है शार्प मस्ट नॉट बी इंसर्टेड। जो चीजें नुकीली है, नुकीली चीजें हैं उनको नहीं जलाना चाहिए। नुकीली चीजों को क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं जलाना चाहिए। तो जब नहीं जलाना चाहिए तो यह भी सही है। और लास्ट बोल रहा है कंपनसेटेबल मैटर मस्ट बी अबो 30%। अरे ये बोल रहा है कि जलाने वाली चीजों 30% से ज्यादा होगी तो जलाएंगे, नहीं तो नहीं जलाएंगे। तो ये कौन सी बात हुई, 30% बहुत बड़ी रैंक होती है तो जरूरी नहीं, कम होगा तो भी जला देंगे, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या चला गया, सी एंड डी। राइट आंसर क्या चला गया, सी एंड डी। जिन जिन बच्चों का सही है अच्छी बात है, जिनका नहीं है वापस से ऑप्शन को देखें। येलो रेड को जलाएंगे नहीं जलाएंगे, ये रिसाइकिल किया जाता है। रेड को क्या किया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है, आपको भी पता है। नो प्री ट्रीटमेंट, तो भैया किसी भी चीज के लिए डिसइंफेक्टेंट के लिए पहले क्या करना पड़ता है, सॉरी ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिसइंफेक्टेंट करना पड़ेगा, तो ये गलत। येलो बैग को जला देंगे और नहीं तो क्या करेंगे उस कचरे का, और शार्प मेस्ट को नहीं जला सकते, तो सही बात है। और लास्ट बोल रहा है 30% जरूरी है, तो ये बात भी गलत है, तो आंसर जाएगा सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ये ट्रू अबाउट द इंसर्नेशन, चलिएगा इसका स्पेलिंग इंसर्नेशन कर लेना। True about the insertion, all accept। भैया जी सारी के सारे ऑप्शन जलाने के अनुसार सही होंगे, एक को छोड़ करके सारे के सारे चीजें सही होगी, एक को छोड़ करके जल्दी से दे दीजिएगा जवाब। एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, पहला बोल रहा है मिक्सिंग द बायोमेडिकल वेस्ट विद द सीमेंट, दूसरा बोल रहा है यूज फॉर द फार्मेटोकल वेस्ट, तीसरा बोल रहा है कंटामिनेटेड वाटर सोर्स, और लास्ट में बोल रहा है नो यूजफुल फॉर द इन्फेक्शियस पेशेंट, इन्फेक्शियस वेस्ट। कौन सा ऑप्शन गलत होगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन गलत होगा? सार्प का डिसइंफेक्टेंट करके उसको जमीन के अंदर डाला जाता है, सार्प को क्या किया जाता है, जमीन के अंदर डाला जाता है। जलाओगे कैसे, निडल को तो जला दोगे, ब्लेडें जल जाएगी क्या, नहीं जलेगी, जब नहीं जलेगी तो जमीन में डालो। अरे भैया क्या है, ट्रू अबाउट द इंसर्नेशन, ऑल सारे सही है छोड़ करके। तो पहला बोल रहा है मिक्सिंग बायोमेडिकल वेस्ट विद द सीमेंट, क्या सीमेंट के साथ मिक्स करेंगे, सीमेंट के साथ में करेंगे क्या? जी हाँ, सीमेंट के साथ में उसको मिक्स किया जाता है। सीमेंट में भी कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं जो मदद करते हैं उनको जलने के अनुसार, जलने में क्या करेंगे, मदद करेंगे, ना कि उसको बधाएंगे। दूसरा बोल रहा है यूज फॉर द फार्मेक्यूटिकल वेस्ट, जी हाँ फार्मेका मदद लेंगे लेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लास्ट बोल रहा है नॉट यूजफुल फॉर द इन्फेक्शियस वेस्ट। अरे भैया जी इन्फेक्शियस वेस्ट बोल दिया, यानी येलो कलर, इन्फेक्शियस वेस्ट का मतलब क्या हो गया, येलो कलर, तो ये भी जाएगा। सीमेंट का यूज करेंगे, तीसरा लिखा हुआ है कंटामिनेटेड वाटर सोर्स। अरे भैया पानी को कैसे जलाओगे, लगा दे आग पानी में, वो चीज अलग है लेकिन आग पानी में लगती नहीं है, लेकिन आग पानी में लगती नहीं है, कहाँ नहीं लगेगी, पानी में नहीं लगेगी। तो कंटामिनेटेड वाटर है, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक भाई साहब हैं या एक भाभी जी हैं जिनके कोलोस्टोमी की केयर कर दी, कोलोस्टोमी से निकला हुआ फ्लूड को जलाओगे कैसे, जलाओगे, नहीं जला सकते, और नहीं जला सकते तो जवाब कहा जाएगा, सी चला जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक नहीं लगाया आप लोगों ने, सीमेंट 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 को पकड़ के बैठ गए, लेकिन लोगों ने सी जवाब दे करके सिलेक्शन के पथ की तरफ एक कदम आगे बढ़ा लिया। चले आगे, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, वेस्ट डिस्पोजेबल ऑफ द प्लेसेंटा आफ्टर द डिलीवरी इज डन। अरे भैया जी प्लेसेंटा का क्या करोगे, प्लेसेंटा का मतलब नन्ने मुन्ने को बनाने वाला, नन्ने मुन्ने को न्यूट्रिशन देने वाला, मदर के एंडोमेट्रियम पे प्रेगनेंसी के दौरान जाकर के चिपकने वाला एक क्या है, प्लेसेंटा कहलाता है। प्लेसेंटा याद होगा, जी हाँ, ये मदर की यूटराइन बॉडी, इसके अंदर एंडोमेट्रियम पे ये आपका क्या है दोस्तों, प्लेसेंटा, ये अमला
अनथेटिकल कोड और इससे कौन जुड़ा हुआ है, एक नालायक साहब बच्चा जुड़ा हुआ है। चलिएगा अब क्या हो गया कि बच्चा निकल गया बाहर, ठीक है साहब निकल गया, अम्लाइकल कोड को काट दिया आधा कर दिया और अब तो कौन निकल गया, ये प्लेसेंटा भी चलाया। अब ये क्या हो गया, ये प्लेसेंटा भी चलाया, इसको कहाँ डाल दिया, येलो में डाल दिया, इसको कहाँ डाल दिया, येलो में डाल दिया। सर इसका क्या करें, जला दो, येलो में डाल दिया तो क्या कर दो, जला दो, मौज कर बेटा, जला दे जला दे जला दे। इंसर्नेशन, राइट आंसर क्या जाएगा, सी, डिस्पोजिंग द ब्लू बैग। नहीं भैया ब्लू में नहीं डालेंगे, ऑटोक्लेव करके क्या प्लेसेंटा को कोई म्यूजियम में रखोगे, नहीं भैया, क्यों करना है ऑटोक्लेव। और माइक्रोवेविंग का मतलब माइक्रोवेव में डालेंगे, नहीं डालेंगे, क्या कर देंगे, जला करके राख कर देंगे। अब इस प्लेसेंटा की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा नन्ना मुन्ना हमारे घर पे आ चुका है, उसकी मिठाई हम लोग खा चुके हैं। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिन बैग एंड द कैथेटर बायोमेडिकल वेस्ट विल बी डिस्पोजेबल इन द, चलिएगा यूरिन बैग को और कैथेटर को कहां डिस्कार्ड करोगे, यूरिन बैग और कैथेटर का पूछा है, यूरिन बैग और कैथेटर को कहां डालोगे, जल्दी से लास्ट वाला वापस समझाओ। सुरेश पटेल कौन सा क्वेश्चन है, थोड़ा आइडिया दे सकते हो, चलेगा कौन सा, ये वाला बोल रहे हो क्या, इसके अंदर पूछा है प्लेसेंटा डिलीवरी के बाद एक फीमेल है जिसका डिलीवरी हो गया, डिलीवरी के बाद जब प्लेसेंटा डिलीवर हो गया प्लेसेंटा का क्या करोगे, तो प्लेसेंटा को जला देंगे, प्लेसेंटा को कैसे डिस्कार्ड करेंगे, तो जला देंगे। क्लियर हो गया, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा क्या जाएगा, चलेगा ये वाला क्वेश्चन, यूरिन बैग एंड द कैथेटर, यूरिन बैग और कैथेटर को कहां डिस्कार्ड करोगे, तो सादा सिंपल सा जवाब है ट्यूब, ट्यूब वाली चीजें कहां जाती है, तो सारी की सारी रेड के अंदर जाएगी, सारी की सारी चीजें कहां चली जाएगी, रेड में जाएगा, येलो का संबंध नहीं होगा, व्हाइट कंटेनर में नुकीली और ब्लू के अंदर जो भी एम्पुल्स वगैरह होंगे, जो वाइल वाली चीजें होगी वो जाएगी। क्लियर है, जो शार्प इंस्ट्रूमेंट, जो मेटल के प्रोडक्ट होते हैं वो पंचर प्रूफ व्हाइट में जाएंगे, और जो ये आपके कांच के बने हुए प्रोडक्ट होंगे यानी एम्पुल्स है, वाइल्स वगैरह, ये सारी चीजें कहां जाएगी, यहां जाएगी बोले तो ब्लू में। नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या पूछा है, बॉडी फ्लूड आर द फीटस आर द क्लासिफाइड अंडर द कैटेगरी ऑफ द वेस्ट, चलेगा बॉडी फ्लूड के बारे में पूछा है। अरे भैया जी बॉडी फ्लूड के बारे में पूछा है, किसमें जाएगा, इन्फेक्शियस वेस्ट, पैथोलॉजिकल वेस्ट होगा, जेनेटिक्स वेस्ट बोलोगे या ह्यूमिनाइज वेस्ट बोलोगे, यहाँ थोड़ा सा ध्यान से लॉजिक लगाना वरना भैंस पानी में चली जाएगी। क्या बोला है, बॉडी फ्लूड आर द फीटस, अरे भैया जी किसी बच्चे का बॉडी का फ्लूड है, किसी बच्चे का बॉडी का फ्लूड है वो क्या जाएगा, नीरज धाकड़ ये लीजिएगा आपका नाम, बहुत बढ़िया डियर, सबका लेंगे नाम क्यों नहीं लेंगे, धीरे धीरे सबका नाम लेंगे, सबका बताएंगे दोस्तों। मैक्सिमम बच्चों का डी जवाब आ रहा है, कुछ बच्चों का बी जवाब आ रहा है, यहां थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, वेट कीजिएगा, मेरी बातों को समझिएगा, लॉजिक को उतारिएगा। जब बॉडी फ्लूड के बारे में बात आती है तो बॉडी फ्लूड पहला लिखा हुआ इन्फेक्शियस वेस्ट, भैया जी इन्फेक्शियस वेस्ट का मतलब कोई भी इन्फेक्शियस कंटामिनेशन वाला फ्लूड हो, ऐसा कहीं एग्जामिनर ने लिखा है कि एक मरीज है जिसकी बॉडी से पस रिलीज हो रही है, एक मरीज है जिसकी बॉडी केवी से कोई भी इन्फेक्शियस मटेरियल निकल रहा है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, तो ये होगा क्या, नहीं होगा भैया जी। नेक्स्ट लिखा है जेनोटॉक्सिक वेस्ट का मतलब क्या हो गया, जेनोटॉक्सिक का मतलब अलग अलग कैटेगरी के अंदर बने हुए पॉइजनस सब्सटेंस का रिलीज होना, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट में लिखा है ह्यूमेनाइज वेस्ट, ह्यूमेनाइज वेस्ट का मतलब होगा कि ह्यूमन बॉडी की जो भी वेस्ट प्रोडक्ट वाली चीजें होती है वो कहलाती है ह्यूमेनाइज वेस्ट। तो यहां फीटस के क्या देखने को मिल रहा है, बॉडीली फ्लूड देखने को मिल रहा है, ना कि फीटस के अंदर आपको फीकल कंटेंट के बारे में बोला, तो ये भी नहीं जाएगा। इसको काउंट किसके अंदर किया जाएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है कि ये पैथोलॉजिकल वेस्ट में जाएगा। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि बॉडीली फ्लूड ऑफ द फीटस के बारे में अगर बात करें कि उसकी बॉडी से जितना भी कंटेंट निकलता है वो कौन सी कंडीशन में जाता है, पैथोलॉजिकल कंडीशन में जाता है, और पैथोलॉजिकल कंडीशन को चलिएगा ले लेंगे दोस्तों, ऐसे तो सारों का नाम लेना पॉसिबल नहीं होगा। आप कुछ ऐसा काम करो कि मैं आप लोगों का नाम लूं, जरूर लेंगे नाम भी लेंगे, माला भी पहनाएंगे, चिंता नहीं करें, ऐसा कुछ काम करो कि नाम भी लें। चलिएगा पैथोलॉजिकल वेस्ट के अंदर ये काउंट होगा, तो राइट आंसर इसका बी जाएगा। याद रखिएगा कभी भी किसी भी नन्हे मुन्ने की बॉडी के अंदर बाहर की तरफ पाया जाने वाला वर्निक्स, केशोशा, लेनुगा वगैरह होता है वो हाईली 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 सस्पिशियस वाली कंडीशन में आता है, यानी अगर उनके अंदर कोई भी दिक्कत वाली चीज आ जाती है वो पैथोलॉजिकल कंडीशन में पाई जाती है, और वहां आपको क्या है स्टरलाइज मेथड भी काम में लाए, और ग्लव्स वगैरह का क्या करना है, यूज करना है। याद रखिएगा यहां किसका यूज करोगे, ग्लव्स, यानी अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि एक नन्हे मुन्ने, बता रहा हूं दोस्तों कैसे हुआ, एक नन्ना मुन्ना है उसकी बॉडी को टच करना है बाहर से, तो ग्लव्स जी हां जरूरी है, स्टरलाइज टेक्निक जरूरी है, क्योंकि देख लीजिएगा ये आपका कोई भी बच्चा है, ये कोई भी बच्चा है, इसकी बॉडी किससे
गिरी रहती है तो आपकी लेनुगो से या वर्निक्स केशियोसा से भरी रहती है, और ये कौन सी कंडीशन में जाता है? पैथोलॉजिकल कंडीशन में जाता है, और जवाब क्या जाएगा? बी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ के फटाफट से थोड़ा जवाब दीजिएगा। जी हाँ, काम ऐसा करें कि नाम हो जाए, बहुत बढ़िया, यही तो करना है। और ये कब कर दिखाएंगे? इस बार 20 तारीख को। रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, थकना नहीं है। बहुत बढ़िया दोस्तों, सैल्यूट है आपकी मेहनत को। आधी रात को बैठ करके इतनी तादाद के अंदर अगर बच्चे क्लास देख सकते हैं तो उनकी दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी जो उनका सिलेक्शन रोक ले। बस आपको तो याद यही रखना है, आई एम द बेस्ट एंड आई कैन डू इट। दुनिया में सबसे अच्छा मैं ही हूँ, और दुनिया में सबसे अच्छा मैं ही कर पाऊंगा। चलिएगा, आपसे बोला है फॉलोइंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड बैग आर द डिस्पोज इन विद कलर ऑफ बिन। भैया जी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में ब्लड बैग को कहां डालो? रेड में डाल दो, येलो में, ब्लू में, व्हाइट में, कहां डालोगे ब्लड बैग को? जल्दी से कमेंट फास्ट डियर। ऐसे 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 मुरझाया हुआ कमेंट चलता है तब मजा नहीं आता है। वेरी गुड, याद रख लेना, ब्लड बैग का पूछ ले। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में ब्लड बैग, ब्लड बैग, ब्लड बैग, तो आपको एक ही जवाब देना है। न आओ देखना है, न ताओ देखना है, जवाब क्या देना है? येलो कलर। बहुत बढ़िया, रेड में नहीं डालेंगे इसको, येलो में डालेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, ब्लू और व्हाइट का तो यहां कोई संबंध नहीं है। अधिकतर बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं रखना है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आ गया जो मैंने उस टाइम में आपसे पूछा था, जल्दी से पढ़ के जवाब दीजिएगा। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने पूछा है 3D मीन इन द हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट। अरे भैया जी, 3D का मतलब क्या होगा हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट में? तो पहला बोल रहा है डिसइंफेक्शन डिस्पोजेबल ड्रेनेज, दूसरा बोल रहा है डिस्कार्ड डिसइंफेक्शन ड्रेनेज, तीसरा बोल रहा है डिस्ट्रक्शन डीप ब्रेलियर ड्रेनेज, और डिस्ट्रक्शन डीप ब्रेलियर या डिस्पोजेबल। जवाब दीजिएगा, क्या जवाब जाएगा? बहुत बढ़िया, मैक्सिमम बच्चों का ए जवाब आने लग गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 3D का मतलब क्या देखने को मिलेगा? तो जवाब देना है डिसइंफेक्शन डिस्पोजेबल ड्रेनेज, डिसइंफेक्शन डिस्पोजेबल और ड्रेनेज। राइट आंसर क्या चला जाएगा? ए जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले उसको क्या करो, डिसइंफेक्शन करो, यानी किसी भी चीज को, वेस्ट को डिस्कार्ड करने से पहले उसको ठीक करो, उसके बाद में उसको डिस्पोज करो, और उसके बाद में उसको ड्रेनेज करो। याद रखिएगा, पहले उसको क्या कर दो, यानी उस पे पाया गया ऐसा कोई पदार्थ जो लोगों को बीमारी से जूझा सकता है, जो बीमारी से लोगों को और ज्यादा बीमार कर कोई भी ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स वगैरह फैला सकता है, उन सारी चीजों को खत्म करो, उसके बाद में उसको डिस्पोज करो, उसके बाद में ड्रेनेज करो, ड्रेनेज के बाद में ट्रांसपोर्ट वगैरह सारी चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ के जवाब दीजिएगा। और एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा डियर जो इस लाइव क्लास से जुड़ चुका है लेकिन क्या नहीं दे पा रहा है जवाब। जवाब नहीं दिया तो क्या नहीं करोगे? खुद को कॉन्फिडेंट। पर हम क्यों जुड़े हैं? कॉन्फिडेंट होने के लिए। सुरेश पटेल बेटा, कौन से कमेंट का जवाब नहीं दिया? ऐसे क्या कर रहे हो? कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट, क्या जवाब जाएगा? क्वेश्चन ने पूछा है अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल 1998 के अनुसार ऑफ द इंडिया शेड्यूल टू देन द वेस्ट इंक्लूडिंग कैटेगरी 4। शेड्यूल 2 के अनुसार आपसे पूछा है कैटेगरी 4 में किसको रखोगे? ह्यूमन एनाटोमिकल को रखोगे, वेस्ट सार्प को रखोगे, एनिमल एनाटोमिकल को रखोगे, या माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी को रखोगे? तो जवाब क्या चला जाएगा? मैक्सिमम बच्चों का किसी का सी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है भैया जी। ए के अंदर कौन सा होगा? ह्यूमन एनाटोमिकल होगा। बी के अंदर कौन सा होगा? एनिमल एनाटोमिकल होगा। नेक्स्ट आपका क्या देखने को मिलेगा? जी हाँ, माइक्रोबायोलॉजिकल होगा। उसके बाद में वेस्ट सार्प वाली चीज आएगी। तीन नंबर पे कौन आएगा? माइक्रोबायोलॉजिकल आएगा। चार नंबर पे कौन आएगा? वेस्ट सार्प आएगा। पांच नंबर पे कौन आएगा? साइटोटॉक्सिक आएगा। कौन आएगा? साइटोटॉक्सिक वाली चीजें आएगी। नेक्स्ट आपसे छह नंबर पे पूछ ले तो कौन सी चीजें आएगी? सोल्ड वाली चीजें आएगी। सात नंबर पे कौन सी चीजें देखने को मिलेगी? सोलिड चीजें देखने को मिलेगी। आठ नंबर पे कौन सी देखने को मिलेगी? आठ नंबर पे वेस्ट, आपको लिक्विड वेस्ट देखने को मिलेगा। आठ नंबर लिख दे भैया, ये लो आठ नंबर। आठ नंबर पे क्या देखने को मिलेगा? लिक्विड वेस्ट वाली चीजें। जी हां, लिक्विड वेस्ट वाली चीजें
चीजें देखने को मिलेगी, इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट कौन सा, नौ नंबर वाली चीजें कौन सी होगी, तो नौ नंबर पे इंसर्नेशन वाली चीजें देखने को मिलेगी, इंसर्नेशन वाली चीजें देखने को मिलेगी। और दस नंबर पे क्या जाएगा, राख बोले तो एस वाली चीजें चली जाएगी। तो ये आपकी दस की दस कैटेगरी होती है, और जिसके अंदर आपको चौथी कैटेगरी पूछी तो जवाब क्या चला जाएगा, वेस्ट शार्प जवाब रहेगा। राइट आंसर क्या चला जाएगा, बी। राइट आंसर क्या चला जाएगा, बी। इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी छोटी बातों को पकड़िएगा और अपने सिलेक्शन के पथ की तरफ हर एक चीज के साथ में एक कदम बढ़ाते जाएगा। चले आगे, जी हाँ ट्रिक बता देंगे सुनील जांगे, चिंता नहीं करें बेटा, बता देंगे हर चीज की ट्रिक तैयार करेंगे, क्यों करते हो चिंता। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा दोस्तों। इतनी तादाद के अंदर बच्चे जुड़े हुए हैं, लेकिन न तो अभी तक मैक्सिमम बच्चे को कनेक्ट कर पा रहे हो, इतने लोग जुड़े हुए फिर भी नहीं कर पा रहे हो, और मुझे लगता है कि क्लास के अंदर आपको वो दम नहीं नजर आ रहा होगा, वरना अभी तक क्या कर देते थे क्लास को। अगर अभी तक किसी बच्चे ने क्लास को वो नहीं किया तो वो कर दो, और वो नहीं किया तो वो भी कर दो, यानी अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और शेयर नहीं किया तो मैक्सिमम बच्चों तक शेयर कर देना। लाइक भली मत करना, लेकिन मैक्सिमम बच्चे तो क्लास को शेयर कर देना, यानी हर एक व्यक्ति को लगना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, तैयारी। दो पूछी थी, दो पूछी नहीं थी बेटा जी, चार कैटेगरी होती है। चार कैटेगरी कौन सी होती है, पहली में लेबलिंग तैयार करते हैं, सेकेंड के अंदर उसकी कैटेगरी को बांटते हैं, थर्ड कैटेगरी के अंदर उसके ट्रांसपोर्टेशन को तैयार किया जाता है, और फोर्थ के अंदर ट्रीटमेंट की होती है। उनमें से सेकंड का फोर्थ पूछा था, क्लियर है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, वेन डिस्पोजिंग ए प्लास्टिक बैग ट्यूबिंग सिरिंज एंड द ग्लव्स यूज फॉर एडमिस्टिंग ए एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग, नियोप्लास्टिक ड्रग के लिए द नर्स शुड इंप्लीमेंट विच नर्सिंग इंटरवेंशन। अरे भैया जी, ये सारी चीजें पूछ ली, डिस्पोज कर रहे हो प्लास्टिक बैग को, कर रहे हो ट्यूबिंग को, कर रहे हो सिरिंज को, कर रहे हो ग्लव्स को, कर रहे हो, और एंटी नियोप्लास्मिक ड्रग का मतलब क्या हो गया, वो दवाई है जो क्या है कैंसर के मरीज में काम में लेते हैं, यानी हाईली कंटाजियस डिजीज वाली जो मेडिसिन होती है, या हाईली जो नियोप्लाज्म का मतलब कैंसर वाली दवाइयां हैं वो काम में ले रहे हैं, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है। तो पहला बोल रहा है अवॉइडिंग कॉन्टेक्ट विद द इक्विपमेंट बाय द अलाउइंग द हाउसकीपिंग टू रिमूव इट। अपन बोलेंगे कि अपन उस दवाई, अपन उस चीज को टच ही नहीं करेंगे, हाउसकीपिंग को बुलाएंगे, वो वाला कर देगा, क्यों, हाउसकीपिंग वाले के अंदर जान नहीं है, वो इंसान नहीं है क्या? आपको तो इतना पता है, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें डियर, जरूर मिलेगा नोटिफिकेशन। नेक्स्ट, आपको क्या उसके अंदर जान नहीं है क्या, उसके अंदर भी तो इंसानियत होनी चाहिए, उसको तो जानकारी नहीं है, आपको तो पता है नियोप्लाज्म क्या होता है। तो ये पहला ऑप्शन सरासर गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है डिस्कार्डिंग ऑल यूज इक्विपमेंट इन द कंटेनर मार्क आइसोलेशन। अरे भैया बोल रहा है कि सारे की सारी चीजों को डिस्कार्ड कर देंगे, कहां कर देंगे, आइसोलेशन वाले कंटेनर में, तो आइसोलेशन का कंटेनर स्पेसिफिक ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यह भी गलत हो गया। लास्ट बोल रहा है डिस्पोजिंग ऑल यूज इक्विपमेंट इन द रेगुलर ट्रेसर रिसेप्टिकल्स। जी भैया नहीं, रोज वाली, रोज जहां जिस चीज को डालते हो वहां डाल देंगे, नहीं, क्योंकि सारी चीजें तो ठीक है, प्लास्टिक बैग ट्यूबिंग सिरिंज तो सही है, लेकिन एंटी नियोप्लाज्म लिख दिया तो उसको रोजमर्रा की जिंदगी की तरह उसको काम में नहीं लेना, अब वो वीआईपी हो चुका है, अब वो क्या हो चुका है, वीआईपी हो चुका है, तो उसको कहां डालो, बायो हेल्थ हैजार्ड्स वाली चीजें, यानी जहां हाईली फोकस होगा, जिन चीजों को अलग रखा जाएगा दूसरे वेस्ट से, इनको अलग रखा जाएगा, और इसका डिस्कार्ड करते टाइम भी इन पे फोकस किया जाएगा। तो जवाब क्या जाएगा, सी। सोने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन सिलेक्शन के बारे में भी सोच लेना। मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, थकना नहीं है, और खुद के ऊपर विश्वास करना। दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी जो आपको मोटिवेट करेगी, और दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी जो आपको हरा देगी। दुनिया बहुत सारी आपकी टांग खींचेगी, लेकिन डबल एफर्ट के साथ में मेहनत करना। दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी जो आपका सिलेक्शन रोक ले। पढ़ाई के ऊपर फोकस कीजिएगा, बाकी स्पेशल दूसरी चीजों पर फोकस नहीं करना है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ लिया आपसे, इन हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट प्लास्टिक बैग विच कलर इज नॉट यूज। अरे भैया जी, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर कौन सी चीज का कलर यूज नहीं करते, कौन सा बकेट का कलर यूज नहीं करोगे डियर, ग्रीन का, ब्लू का, येलो का, रेड का, कौन सा कलर हॉस्पिटल में काम में नहीं लोगे, कौन सा काम में नहीं लोगे। जी हां, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया, नहीं सोच रहे। जी हां, दुनिया लात मारेगी तो आगे जाएंगे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कौन सा काम में रेड आता है, जी आता है, येलो आता है, ब्लू आता है, सॉरी एक और कौन सा जुड़ गया, व्हाइट भी आता है, कौन काम में नहीं आता है, ग्रीन। लेकिन जब आप बात करते हो एम्स के अंदर, जी हाँ मैं भी मानता हूँ एम्स के अंदर ग्रीन काम में लेते हैं, लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि वो अभी तक आपके बीएमडब्ल्यू की कैटेगरी में नहीं जोड़ा गया है, तो आपको उसको काउंट नहीं करना है। चले आगे, बहुत बढ़िया डियर। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, इन हॉस्पिटल वेस्ट ह्यूमन टिश्यू एंड द बॉडी पार्ट आर डिस्कार्डेड। अरे भैया जी, हॉस्पिटल वेस्ट के अंदर ह्यूमन बॉडी पार्ट को डिस्कार्ड कहाँ करोगे, यानी अगर किसी
किसी भाई साहब की अंगुली काट दी, किसी का नाक काट दिया, किसी का गला काट दिया, किसी का कान काट दिया, उसको कहां डिस्कार्ड करेंगे? जल्दी से कमेंट फास्ट डियर। ब्लड बैंक येलो बताया था डियर, येलो बैंक बताया था मैंने। चलिएगा जवाब दीजिएगा क्या आंसर होगा। ह्यूमन टिश्यू एंड द बॉडी पार्ट डिस्कार्डेड, येलो में करोगे, कहाँ करोगे? जी हाँ, येलो के अंदर करेंगे और उसके बाद में क्या कर देंगे, उनको जला देंगे। वैसे ही बॉडी को जलाया जाता है और जला करके राख कर देंगे, तो इसका भी वही करेंगे। रेड काम में नहीं लेंगे, ब्लैक नहीं लेंगे, ब्लू नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा क्वेश्चन, येलो बैग फॉर द सेग्रीगेशन ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट इज ए मीट फॉर। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट क्या जवाब जाएगा? थोड़ा सा कमेंट बॉक्स को उठाएगा, अगर इतने बच्चे जुड़े हुए हैं तो कमेंट बॉक्स तो राफेल की तरह चलना चाहिए। यानी अगर एक एक बच्चा दो दो बार कमेंट कर दे तो भी 4000 कमेंट चले आए कमेंट बॉक्स में। लगना चाहिए कि हम सर तैयारी कर रहे हैं, हम सोते सोते नहीं, हम पढ़ते पढ़ते जाएंगे और सलेक्शन को तो लेके आएंगे। और सलेक्शन बाई लक नहीं सर, बाई चॉइस सलेक्शन लेके आएंगे। जिस एम्स में जाएंगे उसी का सलेक्शन लेकर के आएंगे। यानी ख्वाब जो दिमाग में बैठ गया है, BMW का बैठा है या नहीं बैठा, BMW खरीदेंगे। और खरीदेंगे कब, जब ये BMW क्लियर होगा। तो आपसे येलो बैग का पूछा है, येलो बैग फॉर द सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग करना। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होगा भैया, अलग अलग करना। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होगा, अलग अलग करना। बायोमेडिकल वेस्ट इज मीट फॉर यूरिन बैग, साइटोटॉक्सिक, नीडल या एनाटॉमिकल वेस्ट, कौन सी चीज? येलो बैग फॉर द सेग्रीगेशन ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट इज ए मीट फॉर, क्या जवाब जाएगा? यूरिन बैग, साइटोटॉक्सिक, नीडल या एनाटॉमिकल। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट। तो याद रखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो जवाब क्या देना है, एनाटॉमिकल वेस्ट को अलग करना है। किसको अलग करना है, एनाटॉमिकल वेस्ट को अलग करना है। राइट आंसर क्या जाएगा, डी। ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, रायपुर एम्स 2019 शिफ्ट मॉर्निंग, जो सुबह 8:30 बजे पेपर स्टार्ट हुआ था और 3 घंटे के बाद खत्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शार्प इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिस्पोज इन द, अरे भैया जी शार्प इंस्ट्रूमेंट को कहां डिस्पोज करोगे बता दो जल्दी से मुझे भी, ताकि मेरे दिल को भी मिल जाए सुकून। क्या जवाब जाएगा, क्या जवाब जाएगा? बहुत बढ़िया पवन नागौर, क्या बात है। कमेंट फास्ट ईयर, क्या जवाब जाएगा? शार्प इंस्ट्रूमेंट यानी नुकीली चीजें। जी हाँ, जो घाव कर देगी, जो निशान बना देगी, जो बॉडी को फाड़ देगी, जो बॉडी को एक से दो कर देगी, या पता नहीं क्या क्या कर देगी, वो सारी चीजें वाली चीजों को कहाँ डालोगे? तो पहला बोल दिया रेड में डाल दो मेरे अनुसार, ब्लू में डाल दो, ब्लैक में या येलो में। तो जवाब क्या जाएगा, येलो में नहीं डालेंगे, ब्लैक में भी नहीं डालेंगे, रेड में भी नहीं डालेंगे। किस में डालेंगे डियर? ब्लू, जिंदाबाद ब्लू। ब्लू में डालेंगे, नुकीली चीजें नीले में डालेंगे। लेकिन इसके अंदर अगर आपसे दोनों ऑप्शन डाल देता, और दोनों ऑप्शन कौन से डाल देता, व्हाइट भी डाल देता, ब्लू भी डाल देता, तो आपको दिमाग लगाना है, स्काल्पल है, ब्लेड है, या नीडल है, या कोई भी सिरिंज के साथ में अटैच नीडल है, या आपका कौन सा है जो अपन मरीज का ब्लड ग्लूकोज लेवल देखने के लिए जो लेंसेट वगैरह काम में लेते हैं, तो यह सारी चीजें कहां चली जाती है, वो सारी चीजें कहां चली जाएगी, तो आपकी व्हाइट में चली जाती है। लेकिन अगर व्हाइट ऑप्शन में नहीं होगा तो कहां चली जाएगी, ब्लू में चली जाएगी। चले आगे डियर, नेक्स्ट क्या पूछ लिया आपसे, इन हॉस्पिटल नॉन इंफेक्शियस वेस्ट शुड बी डिस्कार्डेड। अरे भैया जी, हॉस्पिटल के अंदर पूछा है नॉन इंफेक्शियस यानी जो इंफेक्शन नहीं फैलाएगा, वो वाला वेस्ट को कहां डिस्कार्ड करोगे हॉस्पिटल का? नॉन इंफेक्शियस वेस्ट को कहां डालोगे, जल्दी से कहां डालोगे? बहुत बढ़िया, क्या क्या बना रहे हो व्हाइट दोस्तों, रसगुल्ले की तरह बना रहे हो आज तो, बहुत बढ़िया। मेटेलिक एंड ब्लैक ग्लास एम्पल्स वगैरह, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कमेंट कीजिएगा जल्दी से, क्या क्वेश्चन ने पूछा है, हॉस्पिटल नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट, भैया जी नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट को रेड कलर में डालोगे? जी नहीं, रेड कलर में इन्फेक्शियस आइटम जाते हैं, ये बात गलत हो गई। सर ब्लू में डालेंगे क्या? नहीं, ब्लू के अंदर शार्प एम्पुल वगैरह वो वाइल्स के वो जाते हैं, ये नहीं जाएगा। सर येलो में डालेंगे क्या? नहीं, येलो के अंदर तो कौन से जाएंगे, जिसके साथ में मरीज की बॉडी के जो भी ड्रेनेज वाली चीज़ें शामिल होगी, या क्या ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट होगा, साइटोटॉक्सिक वेस्ट देखने को मिलेगी, एक्सपायरी मेडिसिन वगैरह होगी। येलो के अंदर क्या डालोगे, एक्सपायरी मेडिसिन। क्या डालोगे, एक्सपायरी मेडिसिन वगैरह डाली जाती है, तो ये भी नहीं होगा। तो जवाब क्या जाएगा, जब नॉन इन्फेक्शियस लिख दिया इसका मतलब सादा कचरा डाल रहे हो, और सादा कचरा कहां डाला जाता है, ब्लैक के अंदर डाला जाता है। चलूं आगे, चलूं 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 चलूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या पूछ लिया, हॉस्पिटल ड्रेसिंग आर द बेस्ट डिस्ट्रॉय, भाई हॉस्पिटल के अंदर पाई जाने, अरे भैया जी इतना काला दिल कहां से लेकर के आ गए, कलर करवा लिया क्या दिल को? अरे दिल को काला कलर करवा लिया क्या, इतना कहां से ले आए काला? ब्लैक, ब्लैक, बहुत बढ़िया।
जल्दी से हॉस्पिटल ड्रेसिंग आर बेस्ट डेस्ट्रॉय बाई। अरे भैया जी, हॉस्पिटल की ड्रेसिंग को कहाँ डिस्कार्ड करोगे? पहला बोल रहा है ब्यूरिंग कर लोगे, दूसरा बोल रहा है बर्निंग कर देंगे, तीसरा डंपिंग कर देंगे, बॉइलिंग कर देंगे। तो सादा सिंपल सा है, जला करके राख कर दो, यानी क्या कर दो, इंसरनेट कर दो। क्या कर दो? इंसरनेट कर दो। और इंसरनेट कहाँ किया जाता है? बर्निंग में किया जाता है। बॉइलिंग नहीं करेंगे, डंपिंग नहीं करेंगे, बायरनिंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेगा? ये करेगा। जवाब दीजिएगा जल्दी से दोस्तों, कमेंट को थोड़ा सा उठाइएगा, लगना चाहिए कि हाँ सर हम सोते सोते नहीं, हम पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं, चीजें समझ में आ रही है, कंसेप्ट बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। द मेथड ऑफ द वेस्ट डिस्पोजेबल इन विच द वेस्ट इज ए डिस्पोज अलोन विथ ए नाइट सोइल। अरे भैया जी, नाइट सोइल के साथ में क्या जवाब जाएगा? अभी डील करवाया था। अब एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, जिसका गलत हो गया उसका नाम ले लूंगा। ये क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिया है। बॉटल्स वगैरह सारी की सारी रेड में जाएगी, जितनी भी बॉटल्स होगी रेड में जाएगी। एक भी बच्चे के ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं आप लोगों से। खून सूख गया पढ़ते पढ़ते? कैसे सूख गया? मेरा तो नहीं सूखा भैया जी। फिर भी मैक्सिमम बच्चों के बी जवाब आ रहे हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को देखो, बी और डी जवाब देने वाले, ए जवाब आ रहे हैं। अरे ऐसा नहीं करो भैया जी, आधे से ज्यादा बच्चों की भैंस पानी में जा रही है। नाइट सोइल, अरे नाइट सोइल का मतलब क्या होगी? मृदा काम में ले रहे हो, मिट्टी काम में ले रहे हो। और जहां जहां चीजों को मिट्टी को काम में लिया जाता है, वहां वहां क्या किया जाता है? कंपोस्टिंग किया जाता है, खाद तैयार किया जाता है। तो राइट आंसर सी जाएगा। अभी डील करवाया फिर भी गलत हो रहा है। डंपिंग नहीं करेंगे, ट्रिपिंग नहीं करेंगे, इंसरनेट नहीं। राइट आंसर क्या जाएगा? नो आइडिया सर जी, चुन्नू मुन्नू ऐसे क्या कर रहे हो? अभी पढ़ाया था नाइट सोइल के अंदर कंपोस्टिंग किया जाता है, वार्म इंफास्टेशन वगैरह को डाल करके उसको 6 महीने के लिए पैक करेंगे, खाद तैयार हो जाएगा। चले आगे, इंपॉर्टेंट चीज थी, ऐसे गलती ना करें डियर। नेक्स्ट पूछा है डिस्पोजेबल ऑफ द एक्सपायरी एंड द साइटोटॉक्सिक ड्रग आर। उसको क्या करोगे? साइटोटॉक्सिक मेडिसिन वगैरह को डिस्पोज कर रहे हो, एक्सपायरी मेडिसिन जो एक्सपायरी हो गई। और साइटोटॉक्सिक, पहली बात तो ये जाएगी कहाँ? तो आपके येलो कलर में जाएगी। कहाँ जाएगी? येलो कलर के अंदर जाएगी। और करोगे क्या? सेपरेट लैंड फिलिंग एंड डिस्पोज करेंगे। दूसरा बोल रहा है म्यूनसिपल वेस्ट डिस्पोज करेंगे। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है ऑटोक्लेविंग करेंगे या केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे। क्या जवाब जाएगा जल्दी से? पीपीई किट आपका येलो में जाएगा। 100 बातों की एक बात पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वाला कोविड का मैटर, सारा का सारा येलो में जाएगा। याद रख लेना किसमें बता रहा हूं, येलो के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रख लेना। यहां पर कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे कि सर रेड में जाएगा, नहीं जाएगा, येलो ही जवाब देकर के आना एग्जाम के अंदर। कोई ऑप्शन नहीं हो तो अलग बात है, लेकिन ऑप्शन देगा नहीं देगा तो चार ही तो कलर होते हैं, देगा किसका? तो यहां क्या करना है? म्यूनसिपल वेस्ट नहीं, ऑटोक्लेविंग करेंगे नहीं करेंगे, केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, क्या करेंगे? सेपरेट करके लैंड फिलिंग कर देंगे। और जवाब क्या चला जाएगा? ए। सेपरेट का मतलब अलग करेंगे, लैंड फिलिंग का मतलब जमीन में उसको गाड़ देंगे ताकि वो क्या हो, किसी भी जानवर भी उसको नहीं खाए और वो निकल के नहीं आए। लैंड फिलिंग क्या करनी है? डीप लैंड फिलिंग काम में लेनी। यहां याद रख लेना कैसा काम में लेना है, डीप वाली कंडीशन काम में लेनी, यानी जमीन में गहरा गड्ढा खोद करके डालनी है ताकि उसको कोई खींच करके बाहर नहीं निकाल पाए। मास्क वगैरह, वो जितने भी पीपीए के आइटम है वो सारे उसी में जाएंगे डियर। नेक्स्ट क्या पूछ लिया? रिफ्यूज इज कोल्ड, रिफ्यूज इज कोल्ड एज। रिफ्यूज को क्या बोलोगे? सोइल्ड वेस्ट बोलोगे, लिक्विड बोलोगे, सीवेज बोलोगे या स्लज बोलोगे? कमेंट फास्ट, रिफ्यूज, रिफ्यूज। अरे भैया जी, रिफ्यूज को और क्या बोल सकते हो? रिफ्यूज को क्या बोलोगे जल्दी से? येलो में जाएगा डियर, येलो में जाएगा छोटू। सुनील झंगेड़ ने ऑटोक्लेव किया था बेटा, खुद ने क्या किया ये पता नहीं है, दुनिया क्या कर रही है, ऐसा नहीं करे, खुद पे फोकस करे। कोई नहीं, गलती से गलती हो जाती है, बोले तो वो तारक मेहता में बावरी को भी तो होती है, है गलती से मिस्टेक, लेकिन गलती से मिस्टेक हो जाती है, मिस्टेक को सुधार लिया करो ताकि एग्जाम के दौरान दिक्कत वाली बात नहीं हो जाए। क्लियर है? कोई नहीं, कई बच्चों के सी जवाब आ रहे हैं, कई बच्चों के फिर से डी जवाब आ रहे हैं, पता नहीं डी जवाब क्यों आ रहे हैं। ले आपसे क्या पूछ लिया? रिफ्यूज को क्या बोलोगे? सीवेज बोला जाता है। घर के आगे सीवेज लाइन नहीं होती है क्या? होती है सर। और सीवेज लाइन में क्या होता है? पानी भी होता है और वेस्ट प्रोडक्ट भी देखने को मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे? सीवेज बोलेंगे। और अगर आपको क्या देखने को मिले, सिर्फ उसमें से वाटर को निकाल दे तो वो चीज़ें क्या कहलाएगी? स्लज कहलाएगी। यानी फीकल कंटेन के साथ में फीकल कंटेन रखेंगे, दूसरी चीज़ें निकाल लेंगे तो वो क्या कहलाएगी? स्लज कहलाएगी।
जाएगी, तो ये वाली चीज नहीं होगी। लिक्विड वेस्ट को रिफ्यूज बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। सॉलिड वेस्ट को बोलेंगे, जी नहीं बोलेंगे। चलूं आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल। चलिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। इस क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछ लिया? जी हाँ, गंदा पानी। बहुत बढ़िया डियर, क्या बात है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? विच अमंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल। पहला बोल रहा है पेपर, डेड एनिमल्स, फूड वेस्ट या पॉलीथीन बैग्स। कौन सी चीज होगी, कौन सी चीज होगी? थैंक यू सो मच शिवानी, बहुत बढ़िया डियर। क्या जवाब जाएगा? जल्दी से, इतने बच्चे जुड़े हुए हैं फिर भी कमेंट नहीं आ रहा है। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस लाइव सेशन से जुड़ा हुआ लेकिन कमेंट नहीं कर रहा है। अरे कमेंट नहीं किया तो नहीं करोगे, खुद को कॉन्फिडेंट। अपन जुड़े हैं कॉन्फिडेंट होने के लिए, और इस बार सिलेक्शन से कोई कुछ भी मंजूर नहीं होगा। कि उसने क्या पूछा है? पेपर जाएगा, नहीं जाएगा। डेड एनिमल्स, मरे हुए जानवर, फूड वेस्टेज, नहीं। इसमें क्या जाएगा? पॉलीथीन बैग्स को क्या करोगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल में काम होगा, यानी राइट आंसर जाएगा डी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है पॉलीथीन वाली चीजें। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने, बायोमेडिकल वेस्ट की सारी कंटेनर्स बने हुए हैं। यहां थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं। अगर आपको नजर नहीं आता है तो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं उस पर फोकस कीजिएगा, नजर आता है तो थोड़ी सी आंखों को लट्टू की तरह बड़ा करके देखने की कोशिश कीजिएगा, बाबा नजर जरूर आएगा। पहला कौन सा लिखा हुआ है भैया जी? ब्लैक बैग लिखा हुआ है। पहला कौन सा? ब्लैक बैग के अंदर क्या चीजें जाएगी? तो ब्लैक के अंदर सारी की सारी, ब्लैक के अंदर क्या देखने को मिलेगा? नॉर्मल वेस्ट। ब्लैक के अंदर क्या देखने को मिलेगा? जो भी नॉर्मल हॉस्पिटल का वेस्ट होगा, जो भी नॉर्मल हॉस्पिटल का वेस्ट होगा, फॉर एग्जांपल के लिए पेपर वगैरह होंगे या जो भी नॉर्मल सी चीजें होगी, वो सारी की सारी किसमें जाएगी? इसके अंदर ही जाएगी। यानी कचरा हो गया, जो मरीज के साथ वाले अटेंडर ने एप्पल खाए थे, केले खाए थे, चीकू खाए थे, दाड़म खाई थी, अरे भैया जी कुछ भी खाया होगा, कुछ भी खाया, पनीर कोफ्ता खाया, पिज्जा खाया, बर्गर खाया, उसके जितने भी वेफर्स वगैरह है वो सारे के सारे किसमें डाल? तो काला, काला फोर कचरा। चलिएगा, दूसरा क्या लिखा हुआ है? रेड बैग भैया जी, लाल, और लाल का मतलब होता है संक्रमित। इसके अंदर जितने भी प्लास्टिक वाले आइटम होंगे वो सारे के सारे किसमें जाएंगे? इसी में जाएंगे। प्लास्टिक के जितने भी आइटम होंगे, जैसे कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें, डिस्पोजेबल प्लास्टिक के जो भी आइटम होंगे वो सारे इसी में जाएंगे। इन्फेक्शियस जो आईवी सेट होगा, प्लास्टिक ट्यूबिंग होगी, रबर कैथेटर होंगे, कटिंग प्लास्टिक और लेटेक्स के ग्लव्स होंगे। याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है ग्लव्स कहां जाएंगे, ग्लाउज कहां जाएंगे, तो जवाब दे देना रेड और लाल का मतलब होगा लचीला। जितनी भी लचीली ट्यूबें वगैरह है वो सारी की सारी क्या जाएगी? यहीं जाएगी। वो सारी अटेंडर का बोला था, मरीज का नहीं बोला था नीरज धाकड़। मैंने क्या बोला था? अटेंडर के खाई हुई एप्पल है, केले हैं, तो अटेंडर तो खाते ही हैं, क्योंकि वो आपको पता है हॉस्पिटल में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जब भी हॉस्पिटल में पेशेंट होगा तो उस टाइम में घर वालों को बड़ा प्यार आता, बेटा क्या खाएगा? सेव खाएगा, चीकू खाएगा, दाड़म खाएगा, चलो सारी ले आते हैं, एक एक किलो ले आए। मरीज तो मरीज है, मरीज तो खाता नहीं, अटेंडर ठूंस ठूंस के अपना वजन बढ़ा लेते हैं, तो अटेंडर खाएंगे तो वो कचरा कहां डालेंगे? ब्लैक में डालेंगे, भूलना मत। तो ये सारी चीजें कहां जाएगी? रेड कलर में देखने को मिलेगी। ब्लू के अंदर देखने को मिलेगी? ग्लासेज, बोतल है, एम्पूल है या इंजेक्शन की वाइल है। दोस्तों इसके अंदर कौन सी चीजें देखने को मिलेगी? ग्लासेज, जी हां, जो कांच के फूटे हुए कांच के टुकड़े हैं वो सारे के सारे ब्लू में जाएंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है पंचर प्रूफ का आपका बकेट होगा, जिसके अंदर कौन सी चीज जाएगी? नीडल जाएगी, स्कैल्पल जाएगा, कैनुला जाएगा, लेंसेट जाएगा। याद रख लेना, मैंने बताया था अभी लेंसेट बोले तो, लेंसेट क्या होती है? इस प्रकार का बना रहता है जिसके आगे नीडल होती है, मरीज के कौन से मरीज के अंदर काम में लिया जाता है? क्या बात है। नेक्स्ट आपको लेंसेट का मतलब क्या हो गया? मरीज का एक ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करने के लिए लेंसेट काम में लिया जाता है। यानी उसके आगे क्या होती है? जो अपन काम में यूज एंड थ्रो वाली नीडल्स होती है वो काम में लेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ब्रोकन ग्लास स्लाइड के जो भी कवर्स वगैरह होंगे वो सारे के सारे किस में जाएंगे? व्हाइट में जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। और इसके अंदर मैंने बता दिया हाइपो, और 2/3 भरने के बाद इसको खाली कर दो। 2/3 भरने के बाद इसको क्या करना है? खाली। नेक्स्ट कौन सा लिखा हुआ है? येलो बैग। येलो बैग के अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आराम से याद कर पाओगे मेरे अनुसार कौन सी चीजें डालनी है। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है, प्लेसेंटा है, बॉडी से निकलने वाला कोई भी फ्लूड है, खराब पट्टियां वगैरह, ये सारी चीजें इसी में डालेंगे।
शिवानी यादव बता देंगे डियर, वेट करें। इसके अंदर क्या जाएगा, जितना भी इंसर्टेड वाली ड्रेसिंग का मटेरियल है वो इसी में जाएगा। ह्यूमन ऑर्गन्स है, बॉडी पार्ट्स है, टिश्यू है, मरीज के अंदर ब्लड बैग वाली चीजें इसी में जाएगी। मेडिसिन है, डिस्कार्डेड मेडिसिन है, साइटोटॉक्सिक मेडिसिन है, ये सारी की सारी चीजें कहाँ जाएगी, यहीं जाएगी। चलेगा, बहुत बढ़िया। मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं, दुनिया अच्छी लगती है डियर मुस्कुराते हुए, मैं क्या सारी की सारी, बहुत बढ़िया। तानवी यादव ने लिख दिया है, दूसरे बच्चे देख लेना ये दमादम का मतलब क्या होता है, दमादम नहीं बोला था मैंने। चलेगा, ये डिस्पोजेबल आइटम वगैरह, कॉटन वगैरह, ये ड्रेसिंग वगैरह, ये सारे के सारे किस में जाएंगे, येलो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जामिनर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, डेकुबाइटिस अल्सर वाले मरीज की ड्रेसिंग का वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, तो येलो में जाएगा। और आपका ग्रीन कलर जो एम्स के अंदर काम में लेते हैं, तो ब्लैक की जगह ग्रीन को काम में लेना, वहाँ पर नॉर्मली वो वाली चीज़ें भी इसी में जाएगी। तो आई होप आप सभी लोगों ने आज के BMW को BMW कर दिया होगा, ये नज़र आ रहा होगा अच्छे से, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना वरना चीज़ों को देख लेना। चलेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी प्रकार से अपने जवाब देते जाएगा, पढ़ते जाएगा, मस्त रहेगा, और खुद के और खुद के माता पिता के सपनों को हमेशा साकार करने की तरफ हमेशा एक कदम बढ़ते जाएगा। कल का सेशन भी बहुत बड़ा धमाकेदार करूंगा, यानी कल स्टरलाइजेशन बताऊंगा, और एम्स दिल्ली डेफिनेटली 3 से 4 क्वेश्चन स्टरलाइजेशन पे पूछेंगे। मैं रटवाऊंगा नहीं, वो गाइडलाइन आपको, वो चीजें बताऊंगा जो डेफिनेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके नॉर्थ सेट के अंदर देखने को मिलेंगे। कौन सा टॉपिक, स्टरलाइजेशन। जी हां, माइक्रोबायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्टरलाइजेशन और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिस पे अपन वार करेंगे कल रात को 8:30 बजे। तो मिलना मत भूलिएगा, खुद के ऊपर खुद के माता पिता के सपनों का बड़ा सम्मान कीजिएगा, और हमेशा याद रखिएगा आई एम द बेस्ट एंड आई कैन डू इट। जी हाँ, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, तो नॉर्सेट नाम की आग लगा लेना दोस्तों अपने सीने में। और इस बार रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, थकना नहीं है, नॉर्सेट से कम कुछ भी मंजूर नहीं होना चाहिए, और इस बार नॉर्सेट निकाल के दिखाना है। क्लियर रहे, पढ़ते रहे, मस्त रहे, और बने रहे उत्कर्ष परिवार के साथ, और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।